नमस्कार, मेरा नाम है कौशलेश राय और आप देख रहे हैं द हिंदू कैफे का ये शो बुक वाला। आज हमारे शो में हमारे साथ जो खास मेहमान है, आपका नाम है उत्पल कुमार। आप पेशे से पत्रकार हैं, आपने अपनी जर्नलिज्म की जो लाइफ है द पायनियर से शुरू की, फिर आप हिंदुस्तान टाइम्स में रहे, फिर इंडिया टुडे के मेल टुडे में भी रहे, फिर आपने संडे गार्जियन में भी काम किया और अभी आप न्यूज 18 और फर्स्ट पोस्ट के ओपिनियन एडिटर के रूप में काम देख रहे हैं। और आपने एक ये बहुत शानदार किताब है भारत राइजिंग, धर्म डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी, ये मेरे हाथ में आप लोगों को दिख रही होगी। ये लगभग 223 पन्ने की किताब है जिसमें आपने 357 रेफरेंसेस कोट किए हैं, तो उस मायने से देखा जाए तो पेजेस कम है, रेफरेंसेस ज्यादा है। और किताब के बारे में बहुत सारी टिप्पणी है, बहुत सारे बड़े लोगों ने इस पर टिप्पणी भी लिखी है। उसमें जो एक टिप्पणी में पढ़ रहा था, सेल्वेटोर बेबोन्स इनका नाम है, तो इन्होंने लिखा है बाय फार द बेस्ट ऑफ द डजन्स ऑफ न्यू इंडिया बुक्स, तो मुझे लगा इन्होंने अतिशयोक्ति में ऐसा लिख दिया होगा या स्नेह ज्यादा होगा उत्पल जी से। फिर मैंने किताब एक ही दिन में खत्म करी पढ़ के, तो मुझे लगा कि इन्होंने अपनी टिप्पणी जो है वो गलत नहीं करी है। इस किताब में बहुत कुछ ऐसा मुझे लगा जो हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, और इसीलिए हमने उत्पल सर से बात की कि आप आए और हम इस बात पे चर्चा करें। तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे कि एक बच्चा है वो हायर सेकेंडरी में है और उसका साइंस में बड़ा इंटरेस्ट है, फिर उसके एक टीचर हैं जो बड़े अनएंगेजिंग से हैं, और वहां से ये क्या किस्सा है आप ही बताएं। बेसिकली मेरी जो हायर एजुकेशन हुई थी वो नागालैंड में हुई थी, मेरा जन्म बिहार में हुआ, वहां मैं क्लास 6 से पढ़ा, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट चला गया, मेरे पिताजी वहां थे। तो जब तक मैं बिहार में था मेरी साइंस अच्छी थी, तो मुझे लगता था मैं साइंस में ही जाऊंगा, और चूंकि मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे साइंस कॉलेज के, तो और भी लगता था कि उसी स्ट्रीम में जाकर कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा। आज देखता हूँ तो लगता है कि चलो अच्छा ही हुआ, बट हाँ उस समय बहुत दुख लगा था क्योंकि जो साइंस के मेरे टीचर थे वो तमिलियन थे, अच्छे थे लेकिन वो बहुत यानी रूखे स्वभाव के थे। अच्छा। वो बच्चों से इंगेज नहीं करते थे, वो एक्सपेक्ट करते थे कि बच्चे उनके लेवल पे जाके वो कैच करें उनके जो भी उनके विचार हैं और जो भी उनकी थ्योरीज हैं, तो संभव मैं कनेक्ट नहीं कर पाया उनसे। और एक साथ दूसरी वजह जो अब मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि मैं बिहार से गया था, बिहार में जो मेरी इंग्लिश एजुकेशन शुरू हुई थी क्लास 6 से ही हुई थी, सो मेरी पहली जो एंट्री पॉइंट इंग्लिश में थी क्लास 6 में थी। और क्लास 7 में जब मैं नागालैंड गया तो वहाँ इंग्लिश मीडियम था, वहाँ बच्चे इंग्लिश में बातें करते थे, तो टीचर्स एक तो तमिलियन थे, उनकी एक्सेंट भी तमिलियन थी, तो शायद मैं वहाँ भी शायद डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं somehow जो मैं बहुत इंटरेस्ट हुआ करता साइंस में वो डिसइंटरेस्ट में बदल गया विद इन 2 साल में। लेकिन आज मैं जब वापस मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद यही नियति का था, वो डेस्टिनी का था वो खेल, और वो अच्छा ही हुआ क्योंकि शायद मैं एक इंजीनियर रहता या डॉक्टर होता तो शायद मैं जो ऐसे आज दुनिया को देख रहा हूँ शायद ऐसे नहीं देख पाता। और ये भी अच्छा हुआ कि यदि आप इंजीनियर बन गए होते तो इतनी शानदार किताब क्या पता मार्केट में नहीं आ पाई होती, आप भी कोडिंग वगैरह में कहीं लगे होते। तो आपने जैसे बताया कि आपकी शुरुआती स्कूल की शिक्षा जो है बिहार से हुई, आप बिहार में पैदा हुए, तो हम जैसे थोड़ा बुक से डाइग्रेस करते हैं क्योंकि ऐसा कोई हमारा वो तो है नहीं कि उस हिसाब से ही करना है। बिहार के बारे में जैसे हम लोगों ने जो सुना है तो एक लाइन सुनते हैं कि जंगल राज, तो जंगल राज के समय आपने मतलब कुछ आपको स्मृतियां याद है, जंगल राज का कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे, इसे जंगल राज कहा ही क्यों जाता है कुछ ऐसा? जंगल राज आपको एक्चुअली वहां रहना पड़ेगा तो महसूस करने के लिए, इनफैक्ट जैसे होता है ना कि कुछ चीजें आप बता देंगे तभी शायद आप पूरा ना बता पाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे मैं वहां मैं 2 साल में वहां रहा था आफ्टर क्लास 10, क्योंकि मेरे फादर ने रिटायरमेंट ले लिया तो मैं वापस आया, और मैं 2 भाई और हैं वो दोनों इंजीनियर करते थे, और मेरे फादर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते थे तो मेरी माँ वहाँ अकेली थी, तो मैं उनके साथ 7 दिन के लिए मैं वहाँ रह गया। सो मैंने 2 साल का जो क्लास था वो 5 साल मैंने कम्प्लीट किया था, सो आई लॉस्ट 3 ईयर्स जो जंगल आया था, एग्जाम ही नहीं होते थे। सो एक एग्जाम्पल एक बच्चे के लिए जो कि उसके हर साल कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, मैंने वहाँ 3 साल गवाए थे। नहीं तो जैसे एग्जाम नहीं होने का कारण पेपर ही नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा है, डिले चल रहा है, बैकलॉग बैकलॉग
कोई रीजन नहीं, कोई तो क्लास ही नहीं होता था रीजन, तो आप जहाँ सिस्टम हो वहाँ आप रीजन पूछेंगे ना। मान लीजिए जब एक समाज में लोग उसको बड़े उससे चाव से बातें करते हैं कि अच्छा लालू यादव की बेटी मीसा यादव की शादी में जितने भी गाड़ियाँ के जितने भी शोरूम थे सबसे वहाँ गाड़ियाँ उठ के वो वहाँ चली जाए, तो आप तो समझ सकते हैं कि वहाँ कुछ भी पॉसिबल है और कोई कुछ पूछ नहीं सकता है। तो आप एक्चुअली लेकिन आपको वहाँ रह के महसूस करें, एक बड़ी अजीब सी घुटन थी, बड़ी वो जो ऐसा, इसीलिए लोग वहाँ से निकल के बाहर इतने वो फोर्सफुली जाते थे, पलायन का रीजन वही था। सिर्फ यहाँ एक एस्पिरेशनल से ज़्यादा एक वो भी था कि लॉट ऑफ फियर वाज देयर, स्पेशली नो एक जैसे मैं बहुत जगह मैं अलाउड नहीं था जाने के लिए, शाम को 6 बजे घर पर आना है, नहीं आया सो कहाँ है। सो एक बहुत ही मतलब दिल्ली के लेवल में आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो कैसी सोच है और कितनी जकड़न थी समाज में। तो सर ये भी मतलब बड़ा आयरनिकल नहीं है कि जैसे दुनिया का या ब्रह्मांड का सो कॉल्ड जो सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री है उसकी पार्टी उस राज्य के मतलब प्रतिनिधि के साथ कोलिशन में आती है जो बच्चों के पेपर नहीं करा पाते थे। खैर हम जैसे किताब की शुरुआत करते हैं तो आपने बहुत शुरुआत में ही लिखा है कि भारत दैट इज इंडिया हैड अ फॉल्स स्टार्ट इन 1947 इन द एंसुइंग डिकेड इट टुक अ रॉन्ग एंटी वेस्टर्न एंड फाउंड इटसेल्फ स्टक इन अ मोरोस लेफ्टिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर वेयरिंग ओवररीचिंग रेड टेपिज्म एंड स्टिफलिंग स्टेटिज्म रूल द रूट्स। और फिर इसमें आप आगे लिखते हैं कि द लेफ्ट लिबरल्स मिसचीवियसली कॉल्ड इट द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो दो चीजें हम, पहले तो आप ये बताएं कि आप 1947 में ही भारत ने फॉल्स स्टार्ट शुरू करी, ऐसा क्यों कहते हैं? फॉल्स स्टार्ट मल्टीपल लेवल पे हुआ, एक लेवल पे नहीं था। आप जैसे आप धर्मा और जैसे मेरे बुक तीन पार्ट में है, धर्मा डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी, ऑल थ्री पैरामीटर्स में आप तीनों पैरामीटर हम देखेंगे तो वहाँ फॉल्स स्टार्ट था। मैं धर्मा की बात करूँगा तो मैंने एक चैप्टर में वहाँ कहा है इंडिया वॉज बॉर्न हिंदू इन 47। एक्चुअली उस समय तक ये लोगों को लगता है कि नहीं 47 से ही उन्होंने नेहरू चाचा नेहरू आए और उन्होंने वो पूरा सेकुलर वैल्यूज दे दिए थे, ऐसा नहीं था। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे जो जो कांग्रेस पार्टी भी थी वो हिंदू ओरिएंटेड ही थी, एक्चुअली हिंदूज ही वोट करते थे। आप देखिए वो तो आज़ादी के बाद क्या होगा कि जब मुस्लिम लीग वो पाकिस्तान बना दिया तो फिर वो उन्होंने शिफ्ट कर लिया, और 5-6 साल बाद जब जो बड़े हिंदू लीडर थे कांग्रेस में, चाहे वो नहीं रहे, चाहे वो सरदार पटेल हैं, चाहे वो टंडन जैसे लोगों को नहीं, वो उन लोगों को निकाल दिया गया, तो वो पार्टी नेहरू ने हाईजेक की mid-50s में जाके। और वही तभी आप देखेंगे क्या हुआ कि जब नेहरू जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने बोला कि 1 person 1 post होगा। ये आइडियल क्योंकि अपने आप को डेमोक्रेट पार एक्सलेंस बनाने की उनकी वो पोजीशन करने की उनकी वो इच्छा थी। लेकिन जैसे ही नेहरू पटेल की मृत्यु होती है और तो वो अपने रियल अवतार में आते हैं, अपने रियल फॉर्म में आते हैं, जब उन्होंने टंडन जी का जीना हराम कर दिया, जब टंडन जी प्रेसिडेंट थे पार्टी के, और उन्होंने ऐसा किया कि टंडन को रिजाइन करना पड़ा एंड हैड टू लीव द पार्टी। और जब टंडन जी ने पार्टी छोड़ा तो वे प्रधानमंत्री रहते हुए भी ये पार्टी के प्रेसिडेंट बने, और तब वो नेक्स्ट 3-4 साल तक भूल गए कि ये जो प्रिंसिपल है 1 person 1 post वो भूल गए, और उन्हें वो बात तब याद आई जब उनका कंप्लीट कंट्रोल बाय mid-50s या late-50s तक में हो गया, तब उन्होंने फिर अगेन को याद आया कि नहीं 1 person 1 post ही होना चाहिए, और अगेन उन्होंने वो बात बोला, वो बोला भी ओपनली, कहते भी हैं कि नहीं नहीं दिस बी 1 person 1 post। सो इट्स अ वेरी नेहरू हैड अ पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। नेहरू बहुत, आप देखें नेहरू को तो नेहरू बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेना है। नेहरू डेमोक्रेट हैं, नेहरू की जो पॉलिसीज आप देखेंगे तो आइडियोलॉजी फर्स्ट रही है, जो मैंने अपने बुक में बोला भी है कि अनलाइक नरेंद्र मोदी जो कि नेशन फर्स्ट करते हैं, नेहरू हमेशा आइडियोलॉजी फर्स्ट रखा, जिसका देश को बहुत हर्जाना भुगतना पड़ा। लेकिन वो सब जगह नहीं था, जहाँ उनके परिवार आगे आती थी तो परिवार फर्स्ट हो जाता था और आइडियोलॉजी फिर सेकेंड होता था। तो ये था, तो वहाँ एक फॉल्स स्टेप हुआ डेमोक्रेटिकली। आप देखें लोग इनफैक्ट आज की सरकार को लोग डंडा मारने के लिए बोलते हैं कि यार ये तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, अभी एक हमारे ब्लॉगर साहब ने डिक्टेटरशिप वाला एक से फिर शुरू किया। अभी यदि आप रियली में देखेंगे और ये लोग क्या करते हैं, ये नेहरू का डंडा लेके मोदी को पीटते हैं कि नेहरू के टाइम में हम इतने चाइल्डलेस थे, हमने क्या कर दिया। आप जब नेहरू काल को आप थोड़े बहुत डीपली ना भी जाएं, ऊपर से भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि नेहरू काल में डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई गई एट विल, जिस काल में मोर देन 3 dozen
30 से ज्यादा 35 से ज्यादा किताबों को यदि बैन किया जाए वो कहाँ की लिबरल रेजिम है, और बैन की गई है। और कुछ पुस्तकें तो ऐसी थी कि मतलब उस पर आपको हंसी आ जाएगी, जिसमें मान लो ब्यूरोक्रेसी को पर कुछ ताना कसा गया, उस तो ऐसी पुस्तकों तक उनको उन पर भी बैन की गई है। यदि किसी यू नो लिरिसिस्ट को मान लो नेहरू को ये बोलता है कि वो हिटलर की तरह बिहेव कर रहा है तो उसे 2 साल का जेल भेज दिया जाता है। ऐसा तो अभी नहीं हो रहा है, मुझे भी ऐसा संस्करण किसको भेजा गया था ये 2 साल? ये मजरू सुल्तानपुरी साहब, कोई इतने बड़े लिरिसिस्ट है वो। यानी ऐसा कोई एरा गैरा भी होता तो मैं मान लेता कि चलो ठीक है भाई, जैसे आज भी होता है कोई स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को कर दिया आप वेस्ट बंगाल, लेकिन समो लाइक मजरू सुल्तानपुरी, तो मजरू सुल्तानपुरी ने क्या बोला? उन्होंने अपनी कविता लिखी थी, इसमें कहा था कि नेहरू अब हिटलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें खराब लगा और 2 साल से ज्यादा वो जेल में रहे। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच था इनफैक्ट प्रेस फ्रीडम, जिस पर मैं तो खुद जर्नलिस्ट 20 साल से हूँ, मेरा अपना मानना है कि जो प्रेस फ्रीडम अभी से ज़्यादा कभी नहीं रही है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बात मैं बोल रहा हूँ, और जो लोग ये बोलते हैं नेहरू के काल को याद करके बोलते हैं, वो एक बार नेहरू के जो भी स्पीचेज हैं फर्स्ट अमेंडमेंट में वो एक बार जाके देखें, ऑनलाइन अवेलेबल है वो, जाके देखें। इनफैक्ट सम ऑफ द टर्म्स जो वी यूज़ करते हैं बहुत डेरोगेटरी है फॉर जर्नलिस्ट फॉर प्रेस, ही वाज अगेंस्ट। इनफैक्ट जो आजकल हम राइट विंगर यूज करते हैं श्यामा प्रकाश मुखर्जी, इन लोगों ने प्रेस फ्रीडम के बारे में ज़्यादा अच्छा बोला है, इन सपोर्ट बोला है, लेकिन वही है कि इतिहास में कहते हैं ना कि इतिहासकार इतिहास बनाता है। हाँ, वो रिटन बाय विंटर्स वाली बात है। सो जी, सो ये हुआ। धर्म को तो हमने ऐसा कर दिया कि इनफैक्ट जब मेरी बुक लॉन्च हो रही थी तो राजीव डोगरा जी एम्बेसडर थे, उन्होंने वो भी आए थे लॉन्च पे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं आज से 20 साल पहले उम्मीद नहीं कर सकता था कि ऐसी बुक आएगी जिसमें धर्म और डिप्लोमेसी एक साथ हो टैगलाइन में। तो हमने यहाँ तक धर्म को अपने आप से दूर कर लिया, जबकि धर्म हमारे जो सिविलाइजेशन का जो एग्जिस्टेंस है प्राण है। एग्जैक्टली, जो भी जो हमारे डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है वो धर्म की वजह से है, हमने उसको दूर किया। और डिप्लोमेसी में तो खैर हम क्या कहने, मतलब हमने तो वी टू के रॉन्ग अलाई इन 50s। आई जेन्युइनली बिलीव दैट वी हैव टेकन द अमेरिकन लाइन डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस। आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, बट हमारा इंटरेस्ट वहाँ था। और वही क्या होता है, जब हमने गलत अलाई चूज किया तो हमारा 3% GDP आया, और जो हमारे लेफ्ट इलिबरल गैंग है उन्होंने उसको हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दे दिया, वहाँ भी हिंदू को बदनाम कर दिया। मतलब हिंदू ही ग्रोथ नहीं चाहते उनका ये था कि हिंदू इतना ही ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, तो दिस इज द वे दे वांट टू डेनिग्रेट इट, जबकि इट वाज दैट थिंग हैड नथिंग टू डू विद हिंदूज, इट वाज डन बाय सोशलिस्ट गवर्नमेंट लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट। एग्जैक्टली। फिर एक 2007 दिसंबर की घटना आपने अपनी किताब में लिखी है कि नरेंद्र मोदी जो है गुजरात में चुनाव दूसरी बार जीतते हैं, तो न्यूज रूम में डिस्कशन हो रहा है, तो एक लॉर्ड मेघनाथ देसाई हैं, वो कहते हैं कि मोदी इज द नेक्स्ट लीडर ऑफ बीजेपी। तो एक भाई साहब हैं, वो कहते हैं ओवर माय डेथ या ओवर माय डेड बॉडी, जैसे गांधी जी ने कहा था कि लाश पर होगा। तो ये जब मोदी जी पीएम बने तो ये आशीष नंदी जी अभी जिंदा है या क्या इनका ओवर माय डेथ बॉडी हो गया है? वो तो भूल जाते हैं वो लोग, जैसे सेम वे जैसे गांधी जी भूल गए। तो इसमें आपने जो लिखा है इंट्रोडक्शन में ही कि एंटर द सेकंड रिपब्लिक डेमोक्रेटाइजिंग एंड डीकोलोनाइजिंग लुटियंस वर्ल्ड मोदी स्टाइल। और जब हम इसमें बात करते हैं तो आप थोड़ा हमको जो रूलिंग एलीट है इंडिया का, जो आप अपनी बुक में बताते हैं कि वो 1947 नहीं उससे पहले से चला रहा था, 1928 का आप जिक्र करते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। और नरेंद्र मोदी ने ही डेमोक्रेटाइज और डीकोलोनाइज करना शुरू किया है लुटियंस को, आप ऐसा क्यों कहते हैं? जो पिछले प्रधानमंत्री, जैसे आप अपनी बुक में ही बताते भी हैं, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, थोड़ा उनके बारे में भी हमको बताएं। जो हमें एक जनरली हम सोचते हैं कि जो हमारे लुटियंस जो भी जो एलीट है वो आज़ादी के बाद सेटअप हुआ, एस्टेब्लिश हुआ अपने आप को, वहाँ सब किया, एक हद तक किया, बट उसकी जो शुरुआत हो रही है, शुरुआत एक्चुअली आप 1920s लेट 20s में ही देखेंगे, जब गांधी जी राष्ट्रीय स्तर पे एक उभर के आते हैं, और उन्होंने उसी समय, उसमें नेहरू बहुत ही छोटे यंग नेताओं में जाने जाते थे, उनकी बहुत तो वो थी नहीं थी, इनफैक्ट उनसे बड़े नेता में आपको पटेल थे और सुभाष बोस थे, बट यंग नेताओं में थे। लेकिन क्या हुआ कि 28 की बात है, जब मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे पार्टी के,
ये घटना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम देख रहे हैं किस तरह से नेहरू पे उस पार्टी का, गांधी पे उस परिवार का कंट्रोल था। तो जब मोतीलाल नेहरू जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, तो उनका जब टर्म ख़त्म हो रहा था तो उनकी वाइफ स्वरूप रानी आई थी नाम उनका, वो आती है और गांधी से वो रिक्वेस्ट करती है कि मेरी इच्छा है कि अपने बाप को उनका बेटा टेक ओवर करे, जिस तरह राजा का बेटा वो करता है। और गांधी जी इस बात को मान लेते हैं। और इंटरेस्टिंग है वो, आप नेहरू की वो देखिए, नेहरू को पता है, नेहरू को पता है कि उन्होंने जो अपने एक इमेज बनाई हुई डेमोक्रेट की, उसके खिलाफ ही जा रहा है, तो उन्होंने ऑप्टिकली इसको अपोज किया है, बोला है नहीं 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 डजंट लुक गुड, बट ये नहीं बनना चाहे तो उन्हें कोई बना नहीं सकता है, वो बन भी गए तो वो उसके बाद वो बनते हैं। तो वहीं से एक जो प्रक्रिया शुरू होती है जहाँ की नेहरू गांधी फैमिली फर्स्ट वाली, और वहीं से एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल आप लेफ्ट का रिसर्जेंस भी वहीं से देखते हैं। उसमें इनफैक्ट बोस भी लेफ्ट हुआ करते थे, तो इन लोगों की अच्छी बॉनहोमी थी। इनफैक्ट 1939-40 में जाके बोस ने ओपनली पब्लिकली बोलते हैं कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटमेंट विद नेहरू कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया ऑन आइडियोलॉजिकल ग्राउंड। तो लेकिन वो पूरे 30s में इन लोगों ने कांग्रेस को एक लेफ्टिस्ट टर्न देने की कोशिश की। तो वहीं से एक जो एक, एक, एक जो जो एक एलीट का शुरुआत होती है वो हुई है। जब हम दिल्ली के जो लुटियंस एलीट की बात करते हैं, तो एक एक बात हमें जो इससे और सब एलीट इन डिफरेंट कंट्री से अलग करती है वो है कि देखिए एलीट सब जगह होता है, एलीट होगा, इस सोसाइटी का नेचर है। बट भारत में एलीट ना 28 से लेके वो कभी गया ही नहीं, हमेशा वो थे पावर में, थ्रू आउट थे। 77-80 भी यदि मान लीजिए जनता पार्टी की सरकार थी, या फिर 96 से लेके 2004 तक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इंक्लूडिंग वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, लेकिन तभी जो लुटियंस के जो एलिट थे वो वही डिसाइड करते थे था, हाँ वो रहे हम। जैसे वो डायलॉग है आपको कश्मीर फाइल में कि सरकार कोई भी हो सिस्टम हमारा था, तो सिस्टम उनका ही था। ये पहली बार हुआ 2014 के बाद कि वो सिस्टम को चैलेंज किया गया। अभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो आउट है, दे स्टिल होल्ड क्वाइट अ सिग्निफिकेंट पोजीशन, एंड दैट्स व्हाई 2024 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई दे आल्सो बिलीव दैट यू नो अ लॉट ऑफ स्टेक इज देयर फॉर देम। बट पहली बार क्या हुआ 14 के बाद कि उनको चैलेंज किया गया। पहली बार हुआ कि एक जो जो देश का नेता है वो उस एलिट की तरफ देख के उसे लेजिटिमेसी, हाँ लायक नहीं है, उसे लेजिटिमेसी की उम्मीद नहीं करता। इवन वाजपेयी फॉर दैट मैटर, ही ऑलवेज लुक्ड अप एट द लुटियंस। आप देखिए आप खान घूमते हैं, या फिर इनफैक्ट सबसे बड़ा एग्जांपल है कि उन्होंने जिस तरह से अमर्त्य सेन को भारत रत्न दिया, वो क्या था, वो अपने आप वही था कि क्विड प्रो को वाली थी कि भैया मैं आपको देता हूँ, आप थोड़ा सा बताओ हमें आप वो करें, नहीं ऐसा होता नहीं। वो ऐसा वो बड़े क्लियर है, लेफ्ट लिबरल गैंग इज वेरी क्लियर व्हाट दे वांट एंड हाउ दे वांट। ये हमारी मिसकंसेप्शन है कि हम उन्हें विन ओवर कर लेंगे, वो बहुत डिफरेंट थिंग आल्सो होता है हमें उस मैटर के लिए। वो मिस्टर कुलकर्णी भी थे मेरे ख्याल से, जो सलाहकार थे या क्या थे, और आज की डेट में आप देखिए जिस आप या एएस दुलत मेरे ख्याल से जी 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 आप दुलत साहब की पुस्तक पढ़ें तो आपको लगेगा कि जी जी यानी वो उससे ज्यादा वाहियात पुस्तक नहीं हो सकती है। और ही इज इन बेड विथ I am very very hard word with all the elements who might not be you know pro India but वो हैं। और वाजपेयी साहब ने उनको कश्मीर का उसको बनाया। तो चूंकि ये लोग they control the levers of power, हाँ तो इनको somehow लगा। और plus I think हमारी एक inferiority complex भी थी, हमें लगता है कि you know they actually are superior intellectually and excess of power उनके पास है। अब वो थोड़ा सा वो टूटने लगा है वो जो एक मीत था। इंटेलेक्चुअली दे आर नॉट पावरफुल, आई जनरली बिलीव दैट यू नो मैं इनफैक्ट मैं बहुत सारे कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल से मिलता हूँ, इंटेलेक्चुअल आर वेरी वेरी सैलो इन देयर अप्रोच। बट वही है कि उन्होंने चूंकि एक ग्रुप बना, हाँ बना कि और एक बंदा दूसरे बंदे को एक्नॉलेज करेगा कि हाँ लुक ही इज द अथॉरिटी, ही इज द, सो ये होता था। सो ये वही था। तो अभी 14 के बाद से जब मैं देखता हूँ तो ये एक मोनोपोली हटने की कोशिश की। इनफैक्ट मैंने एक और एग्जाम्पल इसमें दिया था कि किस तरह से लुटियन दिल्ली सरकार इन्फ्लुएंस करती है। आपने नीतीश कुमार का केस, हाँ 2013 की ऑक्सफोर्ड में एक डिनर हो रहा है और अमर्त्य सेन से ही पूछा गया है, ये बताएं थोड़ा किस्सा बताएं लोगों को कि गठबंधन टूटा कैसे 2013। बेसिकली एनके सिंह होते थे, वो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे,
ये नटवर सिंह वाले एनके सिंह नहीं, एनके सिंह थे, वो वाजपेयी गवर्नमेंट में भी थे, तो देखिए वाजपेयी में भी थे और उसके बाद भी वो एक्टिव थे, तो वो कैम्ब्रिज में वो रात का भोज डिनर होस्ट चल रहा था, तो उसी समय तो अनइजीनेस था, मोदी का नेशनल रिसर्जेंस हो रहा था, वी ऑल न्यू दैट ही इज कमिंग टू पावर, ही विल बी देयर, बट बहुत सारा प्रोटेस्ट इनसाइड भी था बीजेपी के, आउटसाइड भी था, तो उसी समय एनके सिंह आपको अमर सेन से पूछते हैं कि व्हाट इज द वे आउट फॉर नीतीश कुमार, और अमर सेन इन हिज इन ओन स्टाइलिश वे ही सेज देयर आर मेनी वेज but only one honorable way. So and that honorable way is what Nitish ultimately did. Bhaiya chhodiye Narendra Modi ko. और नीतीश को यही दिमाग में हो गया कि मैं पीएम पद का दावेदार हूं, उनको ये एहसास करा गया उनको, एक्चुअली आप देखिए आप नीतीश स्टार्टेड वेरी वेल, मैं तो इनफैक्ट मैंने उनके फेवर में 2009-10 में भी आर्टिकल लिखा हूँ, क्योंकि मैं जब पटना में घूमता था लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म आर देयर कि नहीं यहाँ बदलेगी, लेकिन 2009-10 देखिए तो एक जो इंक्लूडिंग मीडिया में ही वाज विनिंग ऑल द अवार्ड्स, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑल हाँ, ही इज द वन हु यूज्ड टू टेक ओवर द एनडीए एंड ऑल दिस, एक जो नैरेटिव वहीं से सेट हो गई थी 2009-10 से, उन्होंने ऑलरेडी कैच कर लिया कि नहीं भैया दे ऑलरेडी समबडी इन गुजरात जो कि राइज कर रहा है, तब तक गुजरात दोबारा जीत चुके थे और ही वाज अनस्टेबल फोर्स इन ओजन वे, सो उस समय से ऑलरेडी आप देखिए थे एक जो लॉबी थी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी इनको आगे कर रही थी, और ये 2013 में जाके जब लगा कि नहीं मोदी को हम नहीं रोक सकते हैं, सो दैट वाज द लास्ट टाइम व्हेन दे ट्राई टू पुश तोड़ो गठबंधन, मे बी लेट्स सी हाउ इट हैपेंस, बट समहाउ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एक आप अपनी किताब में लिखते हैं कि जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो अब प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया है, इट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द पावर शिफ्टिंग लुटियंस दिल्ली, इस पर थोड़ा आप बताना चाहें। बेसिकली देखिए नेहरू मेमोरियल आज उसको आप उसके नाम ही आज आप देखिए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, तो वो अपने आप में वो सिर्फ दिख रहा था कि वो परिवार बेस्ड नहीं है, अब वो प्रधानमंत्री के उसमें है, सो लार्जली वही है सिंबोलिकली। एक आपकी किताब में ही आप लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है जो मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं, उसमें आप महाराजा रणजीत सिंह, पुण्य देवी श्लोक, अहिल्याबाई होलकर, ऐसे कुछ नामों की लिस्ट है, उसके बाद आप बताते हैं कि अगर देखा जाए तो सिस्टमेटिक तरीके से पिछले 75 सालों में मंदिरों का जीर्णोद्धार जिस प्रकार से मोदी कर रहे हैं वो मतलब अनबिलीवेबल है। थोड़ा गेट खुला ही छोड़ दियो, आप अपनी किताब के पहले चैप्टर में लिखते हैं कि फ्रॉम अयोध्या टू काशी अ हिस्टोरिकल रीअवेकनिंग, और आप इसी में लिखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह, अहिल्याबाई होलकर के बाद अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे मतलब रूलर कहें जिन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार का काम शुरू किया है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि व्हाई रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड हिंदू टेम्पल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर अ न्यू इंडिया, और साथ ही इसी चैप्टर में आपने लिखा है कि अयोध्या मैनिफेस्ट्स द इल्स ऑफ नेहरूवियन सेकुलरिज्म एज परस्यूड इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये अयोध्या वाले प्रकरण को थोड़ा बता के और फिर नरेंद्र मोदी का ये मंदिर वाला आप हमको थोड़ा बता। देखिए अयोध्या हमारे जो सिविलाइजेशनल टर्म में जो मंदिर है वो सिर्फ एक पूजा या पूजा पद्धति का जगह नहीं है, एक बेसिकली आप देखिए तो जो हिंदू समाज है वो मंदिर के ही एक्सेस से तो हमेशा घूमी है, और इसलिए जब मंदिर कमज़ोर हुआ तो समाज भी कमज़ोर हुआ, ये हमारा जो समाज था इनफैक्ट हमारा जो समाज है ये समाज इनफैक्ट जो इनहेरेंटली बहुत स्ट्रांग समाज रहा था, इट वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टेट हमारा अपने आप में स्ट्रांग है, लेकिन समाज उसकी वजह से स्ट्रांग, इसकी वजह से हमारा समाज कभी कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि और सब जो ऐसा केसेस है कि यदि स्टेट बहुत स्ट्रांग है तो ट्रेनिकल स्टेट हो गया, मतलब वो अब लोगों को प्रताड़ित करेगा, दबाएगा, जो चाहेगा करेगा, ज़्यादा कर वसूल करेगा, हमारे यहाँ वही था, और इसका रीजन ये था कि धर्म वाज देयर, धर्म वाज एबव किंग, किंग वाज नॉट एबव धर्म,
और इसीलिए धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इंडियन धार्मिक डिस्कोर्स. सिमिलरली टेम्पल जो था, टेम्पल यू टू एम्पावर द सोसाइटी, लोग जो भी सोसाइटी थी, चाहे वो एजुकेशन दे के हो, चाहे आपको लिटरेचर का बढ़ावा दे के हो, क्राफ्ट का हो, डांसेस का हो, लाइक भरतनाट्यम और डांसेस आज बचे हैं टेम्पल्स की वजह से बचे, अदरवाइज वो ख़त्म हो चुके होते हैं. फॉरेन ट्रेड में उनका बहुत योगदान था, क्योंकि फॉरेन ट्रेड में बहुत डेंजरस होते थे, सारे कैपिटल का खोने का डर था, तो टेम्पल देते थे. तो क्या हुआ कि वो यदि हम टेम्पल को कमज़ोर कर दें तो समाज कमज़ोर होता है. और ये आप देखें तो आप समाज 18वीं शताब्दी तक, जब मुगल आ गए उसके बाद भी समाज हमारा उतना कमजोर नहीं हुआ था, उसमें कमियां आ गई थी, क्योंकि इट वाज अंडर रेड, अटैक हो रहा है, हम भाग रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, जो भी है, लेकिन स्टिल जो एक जो था, एक कोर था, उसके चारों तरफ वो थे. जब अंग्रेज आए तो उन्होंने टेंपल को कंट्रोल किया अपने, और वही प्रोसेस हमने आज़ादी के बाद भी कंट्रोल किया, जो आज भी है, अभी भी 1 लाख से ज़्यादा जो टेंपल हैं वो स्टेट के अंडर में है. तो जब आप स्टेट टेंपल लेते हैं तो आप अपने लोगों को कमज़ोर किया. और दूसरा चीज़ जो अंग्रेज़ों ने किया था, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल किया. सो वन, फिजिकली आपने टेंपल से जो भी था वो करके माँ बाप सरकार की तरफ आपने किया, और दूसरा मेंटली आपने एजुकेशन को आपने कंट्रोल किया, वो आप किया. सो अभी जो टेंपल को जो जो उस पर काम कर रहे हैं, अयोध्या इज मोर ऑफ एग्जाम्पल. अयोध्या को हम लोग बहुत बार बहुत संकीर्ण रूप में देख लेते हैं, हमें लगता है कि बस रामलला के रहने का जगह हो गया. इस मोड ऑफ ए लार्जर व्यू की आप देखिए कि पहली बार हम उसको मतलब ये हिंदू के जो रिसर्जेंस का मोर लाइक दैट यू नो एक इवेंट है. इनफैक्ट जिस दिन ये हुआ था उस दिन उसके अगले दिन या दो दिन बाद की बात है, मैं एक तमिलनाडु की फैमिली से मैंने बात की कर रहा था. तमिलनाडु से बात सबसे ज़्यादा लोग आए थे इनिशियली, जो फर्स्ट 2 वीक्स का जो डेटा है वो मेरे ज़्यादा सबसे ज़्यादा लोग तमिलनाडु से आ रहे थे, जो अगेन आर्यन डिविडियन डिवाइड के एक बहुत खिलाफ है. तो वो बोला था कि वी कांट बिलीव दैट हम ये दिन देख रहे हैं, हमारे जीते जी ये हो रहा है. सो ये चीज़ अभी हम यहाँ देख रहे हैं. सो टेंपल अपने आप में वो इस अवेकनिंग ऑफ हिंदू माइंड और ये जो कॉन्फ्रेंस है, बट यहाँ मैं ये भी बोलूँगा कि इट्स मोर ऑफ ए फिजिकल कॉलोनियलिटी हट रही है अभी, मेंटली अभी भी हमें बहुत ज़रूरत है. जिस तरह से हम अपने हिस्ट्री को अभी देख रहे हैं, या फिर यानी बहुत सारे जो लेजिस्लेशन है जो हमारे RTE फॉर इंस्टेंस हमारे इनहेरेंटली हमें हिट कर रहा है हिंदू कॉज को और सिविलाइजेशन कॉज को. सो वहाँ अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है. मे बी अगले 10 साल या 5 साल में हम इसको देखेंगे. आप अपनी किताब में लिखते हैं कि 2014 में न्यूयॉर्क के वेल्दी जो NRIs हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ये श्रृंगेरी पीठ के साथ कनेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि हम आदि शंकराचार्य के नाम से एक यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में एक चेयर क्रिएट करना चाहते हैं, और उसके लिए $4 मिलियन का फंड भी ये लोग जुटाते हैं. और फिर ये लोग उसका चेयर का जो हेड बनाते हैं वो शेल्डन पोलक को बनाते हैं. तो ये शेल्डन पोलक के बारे में थोड़ा सा बताएं, और ये मतलब ये आयरनी कहें या क्या कहें वो भी थोड़ा बताएं. ये बहुत ही इनफैक्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि पोलक के बारे में हमारे अंदर बहुत गलतफहमी है. पोलक संस्कृत में बहुत काम करते हैं, किया भी है, लेकिन जो पोलक की जो संस्कृत के प्रति जो दृष्टि है, वो एक टर्म है इन्वेडिंग द सेक्रेट, वो जी 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 मैं उनको कोट किया था वहाँ. सो बेसिकली वो संस्कृत को जो उसकी जो सेक्रेट आइडेंटिटी है उससे निकाल के देखते हैं, एंड ही वॉन्ट टू सी संस्कृत इन ए म्यूजियम मम्मी लाइक फॉर्म. ठीक है, यानी इसको हम वो उसको जीवित नहीं करना चाहते, उनके लिए वो उस म्यूजियम में रहे और वो अपना काम करता रहे. सो मुझे और आपको यदि इस पर आपको शक हो तो आप उनकी राइटिंग पढ़ें. सम ऑफ हिज कमेंट्स अबाउट रामायण इज एट्रोसियस, यू नो ही कॉल्स हिज रामायण इज यू नो रामायण को बोलते हैं कि रामायण में बढ़ावा दिया जाता है सर्टेन सेक्शन को प्रोसिक्यूट करने का. रामायण में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इतने बड़े स्कॉलर जो कि वेस्ट में उनके बहुत प्रभाव है, वो यदि ऐसा लिखेंगे तो एक एक तबका इसको मानेगा.
और ऐसे आदमी को हमारे इतने प्रेस्टीजियस चेयर का हेड बनाया जा रहा है, जिसका काम उस चेयर का काम यही है कि जो भारत संस्कृति को जिंदा करना और भारत के प्रति और भारत के प्रति जो दृष्टि है वो सही करना। वहाँ यदि हम ऐसे आदमी रखें जो कि रामायण को गाली दे, या फिर जो महाभारत को सही से ना देखे, या फिर जो संस्कृत को उसके सिविलाइजेशनल रूट्स के साथ ना जोड़े, तो वो तो गलत है। और वो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कर रहा है हमारा, तो वो दिखा रहा था कि हम किस तरह से ब्लाइंड हैं और हमारी कैसे हमारी अपनी कमी है कि हम और ये हो रहा है क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग अभी भी देखिए ये जो स्नेक्स इन द गैंजेस में उन्होंने किया भी है कि हमारे अपने लोग सारे वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन को फंड कर रहे हैं और ये लोग एंटी इंडिया काम हो रहा है। आपने अपनी बुक के जो टाइटल्स हैं, मेरे ख्याल से आप जर्नलिस्ट हैं तो इसलिए भी एक वो हेडलाइन बड़ी शानदार आपने लिखी है। जैसे आपने चैप्टर 3 में लिखा है कि साइलेंट वॉरफेयर और 3 प्रकार के वॉरफेयर आप कहते हैं, आइडियोलॉजिकल, डेमोग्राफिक और रिलीजियस। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे अभी हमने शेल्डन पोलक का डिस्कस किया कि असॉल्ट ही एक तरीके से हमारी सिविलाइजेशन पे, तो ये जितने भी ये मेन स्ट्रीम इंटेलेक्चुअल्स हम देखें या जो वेस्टर्न एकेडमिक्स हैं चाहे जो भी हैं, ये जिस प्रकार से हिंदुइज्म को ट्रीट करते हैं वैसे ही दूसरे रिलीजन को ट्रीट नहीं करते। और हम देखते हैं जैसे अटल जी का ही हम जिक्र कर रहे थे कि अमर्त्य सेन हो या मिस्टर कुलकर्णी हो या एएस दुलत हो, जब ऐसी कोई ढंग की पोजीशन भी आती है तो वहां पे हम लोग गलत ही चॉइस कैसे कर लेते हैं? तो ये दो सवाल होते हैं, इनका क्या उत्तर देना चाहेंगे आप? ये तो आई थिंक partly it's that you know clever than half a cum है इंग्लिश में यूज करते हैं। हमारे लोगों को लगता है कि नो वी कैन विन ओवर देम, हम स्पेशली दुलत में या फिर अमर सेन में तो ये बात एकदम क्लियरली साबित हुई क्योंकि उन्होंने कभी अपनी अपनी जो एनिमोसिटी है अपना जो दुराव है कभी छिपाया नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं 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 आई एम थिंकिंग समथिंग एल्स। सो यदि इसके बावजूद भी हम बना रहे हैं तो हम आई थिंक कुछ अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं कि वी कैन विन ओवर देम। और इसका आप नुकसान ये देखिए कि जब आपने भारत रत्न दिया और उसके बाद भी यदि वो इंडिया को अटैक करते हैं, भारत को अटैक करते हैं, तो उसका मल्टीप्लाई इम्पैक्ट हो जाता है। सो ये तो ये हमारी सोच की कमी है। जैसे वो आदिशंकर वाले चेयर में जैसे हुआ, सिमिलरली यहाँ भी ये हमें अपने एक जो होता है कि शत्रु बोध बहुत जरूरी है हमारे उसमें। इनफैक्ट मैं वही देख रहा था, आपके पास वो पड़ा हुआ है संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर ने वो टर्म यूज किया था शत्रुबोध। शत्रुबोध होना बहुत जरूरी है, शत्रुबोध हमारे सिविलाइजेशन है नहीं। क्योंकि एक रीजन ये भी अच्छा रीजन है कि यू नो हमारे में द अदर कोई नहीं है, सब एक ही है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि फिर इनमी कौन है फिर? फिर आपको किससे प्रोटेक्ट करना है आपकी सिविलाइजेशन को? तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो दोबारा मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ कि जैसे हम इंडिया में भी देखते हैं, इसमें खैर वेस्टर्न भी पूरे वर्ल्ड में देखते हैं कि 2 यार्ड स्टिक हैं, एक से आप हिंदुइज्म को देखते हैं और एक से आप बाकी जो भी अब्राहमिक कल्ट्स हैं उनको देखते हैं। जैसे आपने अपने बुक में ही लिखा है कि जब हिंदू कोड बिल आ रहा था तो हिंदू कोड बिल हिंदुओं के लिए लाया गया, तो उस टाइम के जो भी कांग्रेस के बड़े बड़े स्टालवर्ट्स थे, एचवी कामत के, मुंशी इत्यादि, इन लोगों ने अपोज किया था कि भाई आप एक समाज के लिए अगर एक चीज बुरी है तो वो दूसरे के लिए सही कैसे हो जाएगी, तो आप सबके लिए ले आओ। तो कहा गया कि वो समाज अभी तैयार रहे। तो ये जो 2 यार्ड स्टिक वाला है कि हिंदुओं को तो कैसे भी वो करो, जैसे मंदिरों का ही देखें, आपने अपनी बुक में लिखा भी है कि हिंदू मंदिरों को आपने बताया कि 1,00,000 मंदिर हमारे अभी हैं स्टेट कंट्रोल में, पर मस्जिद और चर्च और गुरुद्वारे तो नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है हिंदुओं के साथ ही? एक तो साइकोलॉजिकल कारण है, जैसे हम परिवार में देखते हैं कि आप किसी के घर में 2 बेटे हैं और एक थोड़ा नटखट ज़्यादा है, तो उसकी संभाव कभी कभी क्या होता है कि या तो बहुत पिटाई खाता है वो, या बहुत बार वो बस निकलता है, बताया ठीक है यार छोटा है ना दे दो उसको, यार मिठाई दे दो, चॉकलेट दे दो। सो ये वाली कॉन्सेप्ट है कि उन्हें पता है कि हिंदू विल नॉट रिटेलिएट, हिंदूज आर डिवाइडेड, हिंदूज आर अनअवेयर, मोस्ट ऑफ टाइम दे देमसेल्फ डोंट नो। सो इसका एक जो होता है कि ऑटोमेटिकली अदर साइड रेडी टू पास जजमेंट फॉर यू, उनको पता है कि ये रिएक्ट नहीं करेंगे, आप दूसरे में आपको रिएक्शन मिल जाएगा। इसीलिए आप देखिए, मान लीजिए आप हमारे यहाँ प्रथा थी, स्पेशली जब मैं कॉलेज में था हमेशा सुनता था कि मनुस्मृति को जला दिया गया, यहाँ ये कर दिया गया,
बट जो मनुष्य होते हैं कुछ बातें मान ली गलत भी हैं, बहुत अच्छी बातें हैं वो, मतलब ज़्यादा अच्छी बातें हैं, एक दो बातों को आप लेकर आप जला रहे हो, तो ऐसी तो बहुत सारे और ग्रंथों में है, लेकिन किसी की हिम्मत से जलाने की, क्योंकि जिस दिन वो जलाएंगे सर अगले दिन वो रहेगा या तो प्रॉब्लम वही है कि उनको पता है कि रिटेलिएशन नहीं आएगा। तो ये हमारी अपनी अपनी खामी है, उस खामी की वजह से हम कहें तो जैसे कहावत चलती है कि गरीब की लुगाई गांव की भौजाई, तो वो वाला काम हो गया हिंदुओं के साथ। आपने जैसे बताया कि आपकी स्कूलिंग जो है कुछ नागालैंड में भी हुई है, और आपने अपनी बुक में लिखा भी है कि जैसे बहुत सारे जो थ्रेट्स हैं, जैसे ये जो आपने थर्ड चैप्टर में लिखा है कि आइडियोलॉजिकल, डेमोग्राफिक और रिलीजियस, तो उसमें आप लिखते हैं कि मिशनरी थ्रेट जो है उसके बारे में आपने स्पेशली लिखा भी है। और जब आप मिशनरी थ्रेट के बारे में लिखते हैं तो आप वेरियर एल्विन का भी जिक्र करते हैं, और एक वेरियर एल्विन कंस्पिरेसी भी आती है। और ये मुझे पढ़ के थोड़ा इसलिए भी लगा कि जैसे, मतलब जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि दंगा करने वाले कपड़ों से पहचान में आ जाते हैं, तो वो तो दिख जाते हैं, वो कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, परंतु एक और ऐसा शत्रु है हिंदुओं के हिसाब से देखा जाए जो दिखता नहीं है, वो मतलब कैसे बताएं, मतलब वो आटे में नमक टाइप का घुल गया है और पता नहीं लग पाता। तो इसको आपने एम्फेसाइज करके लिखा है मिशनरी थ्रेट, तो थोड़ा बताएं, एक तो ये मिस्टर वेरियर एल्विन कौन थे और ये वेरियर एल्विन कंस्पिरेसी क्या है? वेरियर एल्विन बेसिकली ट्रैवल एरियाज में, सो कॉल्ड ट्रैवल एरियाज में बहुत उन्होंने एक्टिवली काम किया था, बेसिकली विद माइंड इन कन्वर्जन। सो जब आज़ादी हुई थी तो वो सी वेरी स्मार्ट, ऑलवेज यू नो लियोर द टॉप पोलिटिकल लीडर्स। एक टाइम पे गांधी के नज़दीक भी आए थे, जब उन्हें लगा कि गांधी हैड क्लियर कट आइडिया अबाउट मिशनरीज, वहाँ को दाल नहीं गलेगी, तो फिर नेहरू के पास गए और नेहरू के पास भी दाल गल गई। सो नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने, और ये ऑन रिकॉर्ड है, नेहरू ने नॉर्थ ईस्ट को वेरियर एल्विन के हवाले कर दिया, पूरी नॉर्थ ईस्ट को। और वहाँ था कि वहाँ उससे पहले इनफैक्ट राम मनोहर लोहिया अपने जीवनी में, अपने मेमोर्स में, हाँ अपने बुक में लिखते हैं वो, कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के टाइम तक वहाँ गांधी, नेहरू, बोस, इन सब की तस्वीरें बिकती थी नागालैंड, हाँ नॉर्थ ईस्ट में जहाँ भी मार्केट्स में। 60 जाते जाते सब गायब हो गया। सो हमने क्या किया कि हमने 10 साल में जो वो पार्ट जो कि अपने आप को भारत से जोड़ के देखता था उसको अपने दूर किया, इन द नेम ऑफ नो प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ सो कॉल्ड ट्राइबल्स। और ये यहाँ तक बात हो गई कि यदि मान लीजिए कोई आदमी जो रेस्ट ऑफ पार्ट से नॉर्थ ईस्ट जाता है तो ही इज नॉट अलाउड टू गो, परमिट भी लेना पड़ता है, परमिट, हाँ वो अभी भी कुछ एरिया में है। इनफैक्ट राम मनोहर लोहिया वॉज अरेस्टेड फॉर दैट। अब आप देखिए यहाँ है कि आपने मिशनरी को तो अलाउ कर दिया, लेकिन आपके अपने जो नेता डेमोक्रेट डिस्पाइट ऑल दिस, ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि आप अपने देश को घूम नहीं सकते हैं? सो क्या तो मतलब नैरेटिव उन्होंने सेट की थी वैसी। सो उन्होंने क्या कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को पूरा मिशनरी के हवाले कर दिया। और आप यस और वेरियर एल्विन के वहाँ देखिए नॉर्थ में चलिए अमेरिकन जो है ना, अमेरिकन मिशनरीज आर वेरी एक्टिव, वो आके वहाँ घर बन गए। और आप यदि वहाँ के जो कन्वर्जन देखेंगे, कन्वर्जन बहुत पुराना नहीं है, आप मैंने अपने बुक में किया है 1901 से लेके 1970 तक में ही सारा हुआ है। आपने लिखा है कि 1901 में मणिपुर में 45 क्रिश्चियन थे पूरे उसमें, और एक डिकेड बाद 132 हो गए, 1921 में भी 4000 थे, बताइए। और फिर 1931 से 51 में थोड़ा और कन्वर्जन बढ़ा, और ऐसे ही आप नागालैंड का लिखते हैं कि 1901 में 601 थे, दे फॉर्म 0.59% ऑफ द पॉपुलेशन, इन 1931 दे कुड नॉट क्रॉस 23,000 यानी 12.8%, और टुडे नागालैंड इज ऑलमोस्ट 90% क्रिश्चियन पॉपुलेशन, एंड मणिपुर देयर नंबर माइट एक्सीड 45%। मतलब 45 थे 1901 में, और 2024 में आज हम बात कर रहे हैं तो 45% से ज्यादा ही है मणिपुर में, नागालैंड तो 90% से ऊपर ही हो गया है। So, ये और ये पूरा खेल जो हुआ मिशनरी खेल के लिए 100 साल का ही है, 120 साल का खेल है। तो ये तो हमने अपने लोगों को तो इसमें भी आजादी के बाद और तेजी से हुआ है, आजादी के बाद और ज्यादा हुआ, बिकॉज हमने अपने लोगों को जाने नहीं दिया।
जब वो वैसे नेता हो रहा है सो देखिए. और दूसरा क्या है कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद विलफुल कन्वर्जन. यदि आपको मान ली इच्छा है कि नहीं मुझे कुछ और ले करना बी योर गेस्ट, बट अदरवाइज कन्वर्जन क्रिएट्स प्रॉब्लम. कन्वर्जन आपको अपरूट करता है. आप देखिए पाकिस्तान परफेक्ट एग्जांपल. पाकिस्तान कल्चरली तो भारत का ही कल्चरली पार्ट है, लेकिन आप देखिए उसके वो भी मैंने अपने बुक में किया कि फर्स्ट पर्सन पढ़ाते हैं कासिम को. यस, हमारा फर्स्ट सिटीजन है वो. कासिम, हाउ कैन कासिम भी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. वो बंदा जिसने आज के लोगों के पूर्वज को हत्या की होगी और रेप किया होगा, क्या नहीं किया होगा. बट आपकी सोच, दिस इज व्हाट कन्वर्जन डस टू द कन्वर्जन सोसाइटी. आपका सोच ही आपको उलट देता है वो. जब हम नॉर्थ ईस्ट पे चर्चा कर रहे हैं तो अभी मणिपुर भी चर्चा में था. बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री उस पर बोले जाए. तो जो मणिपुर वाला जो ये प्रॉब्लम है इस पे थोड़ा सा बताएं कि ये बेसिकली है क्या. जैसे आपने अपनी किताब में ये मेती और जो दूसरी कम्युनिटी है उसके बारे में लिखा है, ये क्या है थोड़ा अगर समझा. लार्जली आप देखें तो मणिपुर दो भागों में बटा हुआ है. एक तो है कि 90% जो है वो हिली एरियाज है, और हिली एरियाज आउटर एरिया है, और बीच में वो वैली है, वो 10% है. जो मैथीज हैं, जो हिंदूज हैं लार्जली, वो 10% एरिया में रहते हैं. ठीक है, वो वैली में रहते हैं. वैली में रहते हैं. और 90% है वो सोकॉल्ड ट्राइबल्स हैं जो कि मोस्टली क्रिश्चियन अपने आप को बन चुके हैं. वो नागाज हैं, कुकीज हैं, ये लोग हैं, और दे ऑल है मोस्टली हैव कन्वर्टेड. सो यहाँ अब गेम क्या हुआ है कि जो जो 90% जो लोग रह रहे हैं जहाँ, दे आर अलाउड बाय लॉ टू सेटल इन द प्लेन वैली. बट जब जबकि वैली में ऑलरेडी वहाँ ओवर पॉपुलेशन है, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मैथेज की है. बट मैथेज कांट गो देयर. सो ये एक इशू है. और मैथेज और कुकीज में कोई डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस यही है कि इन्होंने ये हिंदू बच्चे हैं और वो क्रिश्चियन हो गए. तो ये हिंदू हो गए तो ये हिंदू हो गए, और वो क्रिश्चियन हो गए तो वो ट्राइबल हो गए. देखिए गेम, देखिए कितना बड़ा गेम है, और हम इसको समझ नहीं पाते. दोनों तो ट्राइबल ही है. यदि आप ट्राइबल आप मानते हो तो दोनों ट्राइबल है. एक ट्राइबल हिंदू है, एक ट्राइबल क्रिश्चियन है. लेकिन ये हिंदू हो गए तो वो हिंदू हो गए. नाउ दे आर मेनस्ट्रीम. तो इनको इनको कोई ट्राइबल का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उनको सारा फायदा मिल रहा है. सो और ये तो अभी तो खामखा सरकार को ब्लेम करने की बात है. ये तो वहाँ के हाईकोर्ट ने बोला था कि भैया आप लुक इन टू दिस मैटर. तो चूंकि अब वहाँ उनके भी अपने जो जो कुकीज़ और उनके जो भी जो अपने जो क्या बोलते हैं वो सपोर्ट सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो समहाउ दे कैप्चर द नैरेटिव. और सोसाइटी हैज बीन मिलिटराइज्ड देयर. वेपन्स हैं सबके अपने, वो हैं. तो चीज़ें कभी कभी कंट्रोल से बाहर निकल जाती है. वही अभी हुआ. तो जैसे इसी समस्या पे अगर जैसे हम देखें तो एक जैसे हम पढ़ते भी हैं किताबें तो हमको लगता है कि जो भी हम काउंसिल आउट हुए जैसे क्रिश्चियन या इस्लामी काउंसिल आउट हुआ तो लगभग 1000 साल का जो हमने स्ट्रगल का फेस देखा तो हम ही इकलौती ऐसी सिविलाइजेशन होंगे जिन्होंने रेजिस्ट किया. और ऑन द ईव ऑफ पार्टीशन वी वर मेजोरिटी. गुलामी के कालखंड में तो हम बच गए. नागालैंड भी बचा रह गया, मणिपुर भी बचा रह गया, और मतलब भारत भी काफी बचा ही रह गया. आजादी के बाद ये नॉर्थ ईस्ट एक तरीके से हमसे देखा जाए तो नागालैंड, मणिपुर, ये सब स्टेट्स. फिर जो मेन स्ट्रीम वाले स्टेट्स हैं जो कह लें मतलब बहुत ज्यादा, जो इवन दिल्ली भी देख लें तो इन स्टेट्स में भी बहुत सारे नोगो जोन्स बन गए. जैसे अभी रामनवमी बीती कल तो बंगाल में हुआ, रांची में हुआ. और हम देखते आए हैं कि कुछ भी ऐसा हिंदू फेस्टिवल आता है तो शांति से वो त्यौहार मन नहीं पाता. तो ये जो हिंदू है ये कहां मतलब चूक कहां हो गई हमसे. सी हम हमारी एक प्रॉब्लम है, हम बहुत जल्दी इजी गोइंग हो जाते हैं. थोड़ा सा खतरा हटता है कि बस जस्ट गो. और एक ना एक जो इकबाल का तराना आया था ना कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, वो अच्छा लगता है सुन के, लेकिन वो बहुत मिसलीडिंग है हमारे लिए. बहुत मिसलीडिंग है क्योंकि हमारी हस्ती तो मिट ही रही है. आप देखिए हम बचे हैं बट मिट रही है. आज हम कश्मीर में कहाँ हैं? आप जितना भी बोलिए हमें कश्मीर पंडित तो वापस नहीं जा रहे हैं. आई डोंट सी इट हैपनिंग. उसके लिए आपकी सोच बदलनी पड़ेगी थोड़ी. वो सोच बदलेगी नहीं. पाकिस्तान में तो हमारे से 70 साल पहले थे, आज वहाँ नहीं. अफगानिस्तान में जो बचे थे वो भी आ गए अभी. बांग्लादेश में बांग्लादेश में जो एक, एक, एक जो लेटेस्ट रिसर्च बोलता है वो ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं बरकत अली, बरकत हुसैन. उनका रिसर्च बोलता है कि हिंदू 30 years there.
तो उन्होंने बोला यदि ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो 30 साल में वहाँ हिंदू बचेंगे नहीं। सो हमारी स्थिति ये है। भारत के अंदर देखिए तो वेस्ट बंगाल में बहुत सारे एरियाज में आप नहीं जा सकते हैं। नहीं, आप केरला से हिंदू पलायन कर रहे हैं। आप बिहार में, मैं तो बिहार में हूँ, कटिहार से हूँ, आप ये किशनगंज एरिया ऐसा एरिया से यस, वहाँ थिंग्स आर नॉट वेरी गुड। सो सिचुएशन तो हो ही रहा है। इनफैक्ट साउथ में भी आप देखें तो वहाँ क्रिश्चियन कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली द कोस्टल एरियाज, और वहाँ एक दूसरे तरह का गेम चल रहा है वहाँ है। एंड देयर वेरी स्मासी difference between Islamist this thing and the missionaries there. Missionaries can also be very wily customer. वो मतलब उन्होंने अब क्या बोला हुआ है, convert कर लो, don't tell the state. नाम छुपा लो, मतलब मत बताओ कि हम कब convert हो, और take all the benefit from the state, आप convert हो जाओ। So आप वहाँ actually you don't know some numbers in Andhra Pradesh say that the number of Christians in the state is quite alarmingly high. लेकिन वही है, हम थोड़ा सोए हुए भी हैं, बट ये है कि हाँ एट द टाइम थैंकफुली हम जाग भी रहे एंड आई होप दैट हम जल्दी जागें और इसी और इसको रोके, कहीं देर ना हो जाए वाला, वही ना फिर उनका गाना हो जाए हमारे साथ। और जैसा आपने बताया एक क्रिश्चियंस वाला, तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। दिल्ली में न्यू सीमापुरी है मेरे ख्याल से, उधर कुष्ठ रोगियों की बस्ती है, 28-29 बस्तियां हैं। तो मैं था उधर 7-8 दिन के लिए, मैं गया हुआ था, तो मैंने देखा वहां रैम्पेंट कन्वर्जन है। जैसे एक बस्ती का जो प्रधान है वो कन्वर्ट हो चुका है, उसने घर में जीसस की फोटो लगा रखी है। और जब मैं गया उससे मिलने तो मैंने खिड़की से देखा जीसस की फोटो तो बाहर आया, तो हमसे मिलने वो हमारे साथ मंदिर में गया जो उस बस्ती में बना हुआ था। तो मैंने कहा कुछ बच्चों से बात करनी है, हम सर्वे कर रहे हैं। तो उसने चार लड़के बुलाए, चारों को उसने क्रिश्चियन नाम से बुलाया, शॉर्ट फॉर्म में कुछ ऐसा, और फिर मुझे इंट्रोड्यूस करा रहा है तो उनके हिंदू नाम से। तो मैंने कहा भैया जैसे ही तो आपने कुछ और करे, वो हम ऐसे वो मुंह भोला नाम ऐसे रख लिया। तो ये तो यहाँ दिल्ली में हो रहा है, मतलब हम नागालैंड और साउथ तो क्या बताएं। स्पेशली जो हमारे जो फ्रंटियर एरियाज हैं वहाँ सब जगह बुरा हाल। पंजाब, पंजाब, पंजाब में जितने भी जो नॉन जो जाट सिख्स हैं, जो लोअर कास्ट सिख हैं, मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक अभी जैसे 2024 का चुनाव आ रहा है, तो जैसे आपने बताया कि हिंदू जो है वो नारों से ज्यादा थोड़े वो हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो जैसे एक यूसीसी का मुद्दा चल रहा है, तो मैंने देखा आपका बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैंड है और कुछ कुछ मैं भी इस लाइन पे सोचता हूँ। तो आप लिखते हैं कि हिंदू शुडंट बी ऑब्सेस्ड विद यूसीसी, इंस्टेड सीक लिबरेशन ऑफ टेम्पल्स। तो व्हाई शुडंट हिंदूज बी ऑब्सेस्ड विद यूसीसी, एंड इससे बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर हमारे लिए लिबरेशन ऑफ टेम्पल्स क्यों? यूसीसी देखिए, मैं नहीं, लोग मुझे गलत ना सोचे, मैं चाहता हूँ यूसीसी हो। एक 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 प्रोग्रेसिव सोसाइटी का एक पहचान है कि एक कॉमन लॉ सबके लिए है। लेकिन यदि वो एक ऐसा चीज़ बन जाए जैसे कि मतलब आम हिंदू को या को गालियाँ पड़े कि आप 13 आप दबा रहे हो माइनॉरिटीज़ को, या हिंदू मुसलमानों को आप पीट रहे हो, तो फिर क्यों करना है? क्योंकि इससे क्या फायदा है? आज यूसीसी आ जाए तो हिंदुओं को क्या फायदा है? मुझे तो कोई फायदा नहीं दिखा। नुकसान ही है, जैसे अभी जो थोड़े बहुत हिंदू बचे हुए हैं, जैसे जो ट्राइब्स वगैरह ही हो गए, उनके अपने कस्टम्स हैं। अब यूसीसी आएगा तो आप उनको या तो बाहर रखेंगे, अगर उनको अंदर लेंगे तो फिर चर्च वाले जाकर उनको भड़काएंगे कि देखो हिंदू मेजोरिटी स्टेट तुम्हारे को खा रहा है, तो कन्वर्जन और इजी ही होगा। तो भाई हमारे लिए तो वहां कुछ ऑब्वियस कोई फायदा भी नहीं दिख रहा, और गाली ज्यादा पड़ेगी, इंटरनेशनली भी गाली पड़ेगी ज्यादा। और इसमें एक बहुत सुंदर लाइन आपने लिखी है, वो मैं एक बार कोट ही अगर करूं कि जो नेचर है, जो नेचुरल होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। ये लिखा भी आपने कि डाइवर्सिटी इज एट इट्स पीक व्हेन नेचर इज अलाउड टू रन इट्स कोर्स, यूनिफॉर्मिटी सिग्निफाइज ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो अगर हम अगर देखें भी तो जो हमारी सिविलाइजेशन है वो डाइवर्सिटी वाली ही रही है, मतलब हमारे यहाँ तो कभी रहा नहीं कि सब एक ही खाना भी खाएंगे। हमारे यहाँ तो 2.5 कोस पे पानी बदले और वो बोली बदले वाली कहावत चलती है। तो ये यूसीसी का और टेंपल्स रिक्लेमेशन इतना बड़ा इशू। टेम्पल का तो मैंने वही जो बोला कि टेम्पल से जब तक टेम्पल आपके अंडर में नहीं आएगा तो आपकी समाज में जो है जो एक जो समाज अपने आप की टेम्पल के पास रिसोर्सेस बहुत है, वो समाज भी अपना, जैसे मान ठीक है मोदी जी ने कॉरिडोर्स बना दिए बहुत से करें, लेकिन आप इमेजिन करें यदि हमारे पास एक टेम्पल हो तो हम कितने कॉरिडोर्स बना सकते हैं? डू वी एग्जैक्टली? लेकिन अभी क्या है कि हमें वो हमें टुंटुना दिया जा रहा है,
ठीक है, आई अप्रिशिएट व्हाट मोदी जी डन, पहले वो भी नहीं होता था, नहीं। लेकिन यदि हमारे लिए टूटना ही है वो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि वाई शुड सेक्युलर स्टेट जो कि हम प्रिज्यूम करें रन हिंदू इंस्टीट्यूशन, क्यों करेगा भाई। इनफैक्ट यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि इवन कम्युनिस्ट इन केरला दे आर रनिंग हिंदू इंस्टीट्यूशन, 3000 से ज़्यादा टेम्पल्स रन कर रहे हैं, तो क्यों करें। और तीसरी बात है कि ये अपने आप में हिंदूज को एक गलत लाइट में दिखाता है कि aren't we capable enough to run our institutions, if others can run we should also run। बट सबसे बड़ी बात है कि वहाँ एक और है जो कि हमारे यहाँ बहुत हिंदू में बहुत सेकुलर लोग भी होते हैं जो बोलते हैं यार, जो स्पेशली राम मंदिर जब बन रहा था तो मैं सुनता था, थैंकफुल संख्या थोड़ा अब कम हो रहा है कि यार मंदिर आप टेम्पल बना दो, मंदिर स्कूल बना दो, हॉस्पिटल बना दो, तो वो भी फायदा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जो आशा रमेश का जो रिसर्च है तमिलनाडु में, वो बोलता है कि जो टेम्पल जो अपने लैंड जो लीज करता है उसका 1% ही स्टेट रेजिडेंसी में आता है। मतलब वो एक है 6500 करोड़ उसका रेवेन्यू होना चाहिए, वहां से 35 की 40 करोड़, 1% स्टेट जो वहां भी तो करप्शन नहीं हो रहा है। नहीं खैर, जो ये कहते हैं कि क्या नाम स्कूल बना दो हॉस्पिटल बना दो, तो वो खुद को शिक्षित भी मानते हैं और उनके शिक्षा के स्तर को देख के तो मुझे लगता है कि स्कूल और हॉस्पिटल तोड़ दिए जाने चाहिए अगर इतने पढ़े लिखे विद्वान इनसे निकल रहे हैं तो। खैर, आपने अपनी बुक में एक ऐसा टॉपिक उठाया है, वो आपको पता नहीं उठाते टाइम डर नहीं लगाया आपने, क्या सोच के उठाया, ब्राह्मिन्स दलित एंड द कर्स ऑफ विस्परर्स। तो आप इसमें ब्रिटिश हिस्टोरियन ऑरलैंडो फिजिस का एक बहुत अच्छा वो मतलब कोटेशन ही है कि द विस्परर्स, उसमें आप बताते हैं कि स्टालिन के रशिया में, तो उस पर हम आएंगे। तो आप थोड़ा बताएं पहले तो यही विस्परर्स की क्या कहानी है। इसलिए जो स्टालिन का जो रूल था बहुत इतना ही वो आतंक वाला रूल था, और इनफैक्ट सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज में हाल है, स्टालिन नहीं माओ का देखिए तो और भी ज़्यादा था। लेकिन जब स्टालिन की बात करें तो इन्होंने ऑरलैंडो ने स्टालिन का कहा तो इतना वो था कि वहाँ लोग ना आपस में बात भी करते थे, विस्पर्स भी करते थे, कोई सुन ना ले, बच्चों से दहशत थी दीवार के कारण होते हैं। इनफैक्ट जो उनके देर सो मेनी स्टोरीज की जो माँ बाप के जो बच्चे होते थे ना उनको वो लोग इन्फ्लुएंस करते थे बाहर वाले लोग, और वो बाहर जाके अथॉरिटी बोलते थे मेरे माँ बाप ये बात कर रहे थे, उनको तो पता नहीं छोटे बच्चे हैं मासूम हैं। सो वो इट क्रिएटेड ए क्लास ऑफ पीपल जो किसी विस्पर्स में ही बात करते थे। सो मैंने वो उस एग्जाम्पल को लिया, और हमारे यहाँ इंडियन विस्परर्स, तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे विस्परर्स थे, जैसे मैंने वो ब्राह्मण के जो के साथ जो अत्याचार हुआ था वो भी एक तरह से विस्पर ही था, क्योंकि आज तक लोगों को पता नहीं था। मैंने इनफेक्ट बहुत लोगों से पूछा भी व्हाइल रिसर्चिंग दिस बुक, व्हाइल राइटिंग आल्सो, आई आस्क्ड, अच्छा डू यू नो दैट ब्राह्मण्स वर अटैक्ड एट द टाइम ऑफ यू नो गांधी असैसिनेशन, 99% पीपल हैड नो आइडिया। और ये मैं पढ़े लिखे हुए सब पूछा हूँ, जर्नलिज्म में थे वो, अच्छी चीज़ें थे, उनको कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा हुआ है। अच्छा ऐसा हुआ था, यहाँ हुआ होगा, दो हुआ होगा, इक्का दुक्का। मैंने ऐसा कि नहीं भैया, इट वॉज इन थाउजेंड्स, और लोग अपने घर द्वार छोड़ के भागने पड़े, और ये ऐसी स्थिति, इनफैक्ट सावरकर के भाई तक को ऐसी, हाँ जी, तो ऐसी स्थिति थी, तो लोगों को पता नहीं है। तो वो तो हम तो विस्पर सोसाइटी बने हुए, और ये सिर्फ वहीं ख़त्म नहीं हुआ, ये नेपाल ने अपनी बुक में भी मेंशन किया कि तमिलनाडु में किस तरह से ब्राह्मणों को अत्याचार किया गया। सो एक ऐसा हमारे यहाँ परंपरा चल गई थी कि आप फिल्मों में देखें तो भाई जो जो गुंडा है वो जो खराब है वो हाँ तिलक ही लगा, और ये लेट से चला था। कल रात में एक फिल्म देख रहा था, गैंग नाना पाटेकर की फिल्म थी, वहाँ भी जो विलेन था वो यही वाला था, और जो अच्छा आदमी था he was criminal, अच्छा क्रिमिनल था, मुकेश खन्ना उसे रोल कर रहे हैं, वो जो मुस्लिम ईमान वाला आदमी था। सो किस तरह से एक नैरेटिव सेटिंग होती थी, वो नैरेटिव सेटिंग बहुत चली। आपने जी आपने उसमें लिखा भी है कि मतलब जो ये ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ गांधी वध के बाद, तो उसमें आपने लिखा है कि थैंक्स टू अमेरिकन स्कॉलर मॉरिन एलपी पैटरसन जिसने इस विषय पे रिसर्च करने की सोची, वरना हम लोगों को इतना पता नहीं। और वो एक्सीडेंटली हुआ, सी डिडंट कम टू इंडिया टू रिसर्च ऑन द इशू, वो कुछ और करने आई थी, सी एक्सीडेंटली गॉट द डेटा, उसको डेटा मिला तो सी वाज स्टार्टल्ड कि अरे ये क्या है, एंड देन सी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, और वो आ गया। अदरवाइज ये इतिहास तो दब ही आता, जस्ट जिस तरह से कि अगला इतिहास दबा जो मैंने उसको मेंशन किया। दूसरा जैसे आपने बताया कि वो वीएस नायपॉल ने भी जो लिखा है कि तमिलनाडु में क्या हुआ, तो संदीप बालकृष्णा जी का एक आर्टिकल था धर्मा डिस्पैच पे कि तमिलनाडु का इलेक्टेड सीएम जो बना बाद में, वो अपनी जवानी के दिनों में ब्राह्मणों की चुटिया काटना उसका प्रिय जैसे होता है ना, वो लेजर टाइम ऐसे किया करता था। फिर एक आपने जैसे एक तो ये जो गांधी वध के बाद जो ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ, दूसरा आपने एक लिखा है चिदंबरम नटराज टेंपल इशू,
ये थोड़ा सा आप बताएं क्या है। बेसिकली वही था जो स्टेट का, जो तमिलनाडु के जो स्टेट का है वो इंडिया में दे वांट टू कंट्रोल, और वो वन ऑफ द लास्ट टेम्पल है जो कभी भी पूरी उनके कंट्रोल में नहीं आया। सो वो अपने डिफरेंट वेज में वो जाते हैं, कोई एक्सक्यूज लेके कि अच्छा आपने ये नहीं किया, आपने आप स्टेट रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई भी बहाना करके दे आर ट्राइंग टू बेसिकली दे कंट्रोल द टेम्पल। और वो पावरफुल टेम्पल है, वो रिच टेम्पल है, और ये अभी भी हो रहा है। तो जैसे एक तो ब्राह्मण्स जो है वो विस्परर्स हो गए, दूसरा जैसे आपने इसी चैप्टर में एक और लिखा है इंसिडेंट कि उसको अगर हम देखें तो वो जलियांवाला बाग से कम उसका नहीं है, जलियांवाला बाग 2.0 भी कह सकते हैं, मारी झापी मैंने इसलिए भी दिया क्योंकि मारी झापी दो तीन हमारे जो ये बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, जब आप इसके बारे में बताएंगे तो आपने दो वर्ड्स बड़े यूज किए जो आगे से मैं भी यूज करने का प्रयास करूंगा, झटका टाइप प्रोसिक्यूशन एंड हलाल टाइप प्रोसिक्यूशन, तो इसको रिलेट कर थोड़ा। मारी झापी मैंने इसलिए भी यूज किया क्योंकि मारी झापी बहुत बार हमारी जो अपनी जो जो एक जो नैरेटिव सेटिंग होती है उस पे वो बहुत चीज़ों को बहुत क्लैरिटी से प्रेजेंट करता है। जैसे एक है कि इट एक्सपोजेस कि जो लेफ्ट प्रोग्रेसिव ग्रुप्स हो को लेफ्ट प्रोग्रेसिव है वो पुअर्स के दलित के भाई तारनहार हैं, सपोर्टर्स हैं, ये बोलता है कि नहीं है। सेकेंड थिंग इज जो हम आज भी सुनते आते हैं एक जो एक कोलिशन बनाने की कोशिश होती है बहुत अभी चली, चंद्रशेखर जो है दलित लीडर सोकल दलित वो आजकल बड़े बोलते हैं उसमें कि दलित और मुस्लिम दे आर द कॉमनलिटीज। हाँ कॉमनलिटी है, ये इंसिडेंट उस पर बहुत बड़ा तमाचा है, ये देखता है कि ये सब बकवास है, हिस्टोरिकली देर नेवर सच थिंग एज दलित एंड मुस्लिम बॉर्न होमी। बट गोइंग टू दैट इशू, सी मारी झापी की जो शुरुआत हुई है वो आज़ादी के समय थी, और मैंने वही वो हलाल और झटका वाला भी यूज़ किया। बेसिकली क्या था कि वेस्ट जो हमारा डिवीजन जो हमारा डिवीजन हुआ था वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। वेस्ट पाकिस्तान से जो भी हिंदूज निकले थे वो मोस्टली एट वन टाइम निकल गए, सो इट वॉज मोर लाइक ए झटका, एक बार उनको सफ़र हुआ निकल गए। ईस्ट में बात थोड़ी अलग हो गई, और उसका रीज़न था हम जो ईस्ट में आपको जो जो रिच एजुकेटेड जो क्लास थे लैंडऑनर्स क्लास थे और वहाँ के दलित जो थे वो थे लेकिन वहाँ दलित पॉलिटिकली बहुत एक्टिव था। नामशूद्रा जो थे पॉलिटिकली वो 1920 से बहुत एक्टिव थे, और वहाँ 20 से ही कांग्रेस की सरकार नहीं बनती थी क्योंकि जोगेंद्र मंडल बहुत पावरफुल लीडर थे जो नामशूद्रा के लीडर थे जो दलित थे। सो उन्होंने कॉलिशन क्रिएट किया था मुस्लिम का और दलित का। तो आज़ादी के समय क्या हुआ कि इमीडिएटली जो पढ़े लिखे तबके थे वो आ गए, और उनके लिए बहुत ईजी था क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का क्या होता है कि रिलेटिव से कोई आपको कैलकाटा में कहीं थे तो दे कुड इजीली स्विच। अब ये जो नामशूद्रा थे वो दे डिडंट गो क्योंकि उनके जो लीडर थे आपको जैन मंडल जोगेंद्र उन्होंने बोला कि नहीं वी शुडंट गो, एंड ही वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर बने। और इत्तेफाक देखिए कि वो दो साल से ज़्यादा रह भी नहीं पाए, दो साल में उनको रिज़ाइन करना पड़ा और देश को भाग कर इंडिया में शरण लेनी पड़ी। और उन्होंने जो अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा था उन्होंने बोला कि जिस तरह से वहाँ के दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है वहाँ के इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्टों द्वारा इसलिए मैंने वो चैप्टर मैंने पूरा डाला हुआ रेजिग्नेशन लेटर, वो कम्प्लीटली एक्सपोज करता है वो जय भीम वाला जो स्लोगन है। और हुआ क्या बेसिकली जब तक वहाँ एजुकेटेड क्लास था अपर क्लास एजुकेटेड क्लास था तब तक वहाँ मुसलमानों को ज़रूरत थी इनकी दलितों की ताकि वो उनसे लड़ सके। और या जैसे वो चले गए दे बिकम द अदर, शुरुआत हो गया इनका। सो जोगेंद्र मंडल तो भाई बड़े लीडर थे वो तो आ गए लेकिन उनके जो फॉलोअर थे वो तो गरीब थे वो नहीं आ पाए। सो ये जो मारी झापे में जो लोगों के साथ 1979 में जो मैसेकर हुआ है ये वही लोग थे। और इनकी इन्होंने जो प्रताड़ना सही है मतलब आप जो उनके लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं एक लिटरेचर पढ़ रहा था वो जो कि ईस्ट पाकिस्तान से जो कलकत्ता में वो रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे
तो बोलते हैं कि जब वो जब खाना बनता था, चावल बनता था ना, तो महकता था पूरा पूरा कैंप विल बी लाइक आपको आप, हाँ आप सांस नहीं ले पाएंगे, वो खाना वो खाते थे. जस्ट वन एग्जांपल था. तो और उसके बाद इन लोगों को दंडकरण ने जो एरिया है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उड़ीसा, वहाँ उनको सेटल करने की कोशिश की. ये 57 में शुरू हुआ ये. ऑल थ्रू क्या था कि वहाँ के जो कम्युनिस्ट लीडर थे, दे ऑलवेज वेंट एंड टोल्ड दिस रिफ्यूजीज इमिग्रेंट्स कि भैया हम आपको मारी झाप बंगाल से मारी झापी में बसाएंगे, जो कि सुंदरबंस में है, आइलैंड है वो, वहाँ बसाएंगे. तो 77 में जब ये इनकी सरकार आती है ज्योति बसु की, तो ये लोग आने लगे. इनफैक्ट ज्योति बसु ने 75 में बोला था कि हम आपको बसाएंगे. सो पीपल टुक हिम एट फेस वैल्यू, कह रहे भाई ये तो सालों से बोल रहा है तो करेगा. तो जैसे इनकी सरकार आई, पीपल स्टार्टेड वॉकिंग. लाइक जैसे वो वहां पहुंचे, गेट्स वर क्लोज फॉर देम, और जो प्रताड़ना इनको मिली, इनफैक्ट वो फिर भी वो पहुंच गए. दे वर सो गट्सी, इनकी लाइफ इतनी खराब थी ना, क्योंकि मतलब एक होता ना तिनके का सहारा मिल जाए, लगता वाओ. फिर भी वो वहाँ मारी झापी पहुंच गए, और मारी झापी विद इन ए कपल ऑफ इयर्स वाज अ मॉडल हसलिंग बसलिंग. यस, वे था सम ऑफ द डिटेल्स आर अमेजिंग. जिस तरह सेल्फ सफिशिएंट हो गया था, सरकार को वो भी अच्छा लगा. उन्होंने वहाँ के ज्योति सरकार ने बोला कि नहीं, आप इकोलॉजी को आप इम्पैक्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. वहाँ भी कोई घपला था, दे वॉन्टेड टू डू सम कल्टिवेशन देयर. तो पशु के ही कोई रिश्तेदार को वो देना चाहते जी थे. तो इसलिए हटाना था. लेकिन जिस तरह से इन लोगों को हटाया गया, वो बहुत ही दर्दनाक है. यानी आप देखिए, मुस्लिमों का भी सहारा लिया गया. जी जी. यानी माली एक उस जगह पे माली एक कुआं है, उस कुआं में जहर डाल देगा. सरकारी लोग जहर डाल रहे हैं. अब बताइए, आपके लोग हैं जहर डाल रहे हैं, वो लोग पी के मर रहे हैं लोग. मतलब पर्यावरण बचाने के लिए आप लोगों की हत्या करने पर तुले हुए. पुलिस को लाया गया, लेकिन पुलिस चूंकि बियॉन्ड ए पॉइंट एट्रोसिटी नहीं कर पाई, तो उन्होंने मुस्लिम गुंस को लाया ये बोल के, ये सब यू नो बांग्लादेश से आए हैं आप मुस्लिम लोगों से छोड़ के, ताकि एग्रेशन में उनको अटैक किया जाए. And they were raped, and they were killed. ये तो हुआ है, और ये प्रोग्रेसिव लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के अंडर में हुआ है. और इस पर 30 साल तक कोई बात नहीं हुई. जो भद्र लोग जो भी हमारे जो लेफ्ट विंग इंटेलिजेंसिया कलकत्ता की, देवर क्वाइट फॉर 3 decades. वो तो जब लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट खत्म हुई, ममता आई, तब थोड़ी सी बात शुरू हुई, और वहीं फिर 30 साल तक इस पर कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई बात नहीं. इनफैक्ट इस पर कोई रिसर्च ही नहीं. जैसे जिस तरह से एक्सीडेंटली ब्राह्मण के जो अटैक हुआ था, एक्सीडेंटली हुआ था, यहाँ का आप डेटा देखेंगे ना, तो सम पीपल से 10 लोग मरे थे बस. कुछ कहते हैं 10,000 से 10,000. आप रेंज देखिए, क्योंकि आप हियर से हो गया ना, आपका पास कोई डेटा. तो इस पे 2 किताबें हैं मेरे ख्याल से, एक तो अमिताभ घोष की है द गाइड, और दीप हल्दर की मर्चा जी की. अमिताभ घोष वाली डायरेक्टली उस पे नहीं है, इट टच्ड अपॉन दैट, वहां मेंशन करते हैं दीप हल्दर की डायरेक्टली, दीप हल्दर के डायरेक्ट उस पे है. उसके अलावा भी कुछ और लोगों ने अच्छा रिसर्च किया है. अच्छा, एक ये क्या किस्सा था जो आप अपनी बुक में लिखते हैं, जो ब्रेव न्यू डिप्लोमेसी इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड. तो आप बताते हैं कि जो मतलब किसी ऑथर का ही आपने कोट किया था उसमें, कि जैसे भाई 2 प्रकार की डिप्लोमेसी होती है, कॉस्मिक डिप्लोमेसी वर्सेस रियल डिप्लोमेसी. तो 2014 से पहले हमारे यहाँ कॉस्मिक डिप्लोमेसी की दुनिया ऐसी हो ये सोच के हम करते थे, और अभी वाली आपके हिसाब से ऐसी है कि दुनिया ऐसी है अब हमको ये करना है. तो इसमें बस आप एक ही इंसिडेंट बताइएगा कि अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, JNU के हैं, काफी अच्छे वक्ता हैं, सब कुछ है हमारे, मतलब जो चचा नेहरू जो थे बहुत बड़े स्टेट्समैन, वो जो फॉरेन मिनिस्टर तय किया करते थे या जैसे किसी को रिटेन करते थे डिफेंस मिनिस्टर. नहीं, नहीं, वो तो खुद ही फॉरेन मिनिस्टर थे. तो जैसे यू नेवर अलाउ मिनिस्टर बनाए थे, डिफेंस मिनिस्टर बनाए थे, वो डिफेंस मिनिस्टर बनाने की योग्यता क्या थी उसकी? एक तो योग्यता मैंने मेंशन किया था, वो थी कि वो उनके साथ अच्छा डिस्कस करता था, मार्क्स एंड मिल डिकन्स एंड यस, वो उनके जो जो प्रोग्रेसिव आइडियाज पे फिट बैठता था, और वो उनसे उनके जो जो उन्होंने ब्रिटेन में पढ़ा था हैरो में, उस उन सब चीजों पे बात करे, तो वो उससे बात करते थे. और इसी उस पे आप डिफेंस मिनिस्टर बन जाएंगे, तो काफी सरल था उस जमाने में डिफेंस मिनिस्टर बनना. ठीक, अभी क्या नाम, हम जो आगे बढ़ते हैं, तो इनफैक्ट उस समय का जो दुनिया अपने आप में अलग था. इनफैक्ट ऑल दी इयर्स की हम बात करते थोड़ी देर पहले, राज थापर के जो हस्बैंड थे रमेश थापर, ये दोनों बेसिकली दे वर पार्ट ऑफ किचन कैबिनेट ऑफ इंदिरा गांधी. तो राज थापर अपनी पुस्तक में मेंशन करती हैं कि रमेश थापर एक बार बहुत अपसेट हो गए PN हस्कर से. वो धवन को बना दिया गया था कुछ, तो कोई धवन थे उनको बना दिया गया एम्बेसडर. तो रमेश थापर PN हस्कर से बोलते हैं कि ये तो बेवकूफ है, इसको क्यों बना दिया आपने. कहते हैं मार्क्सिस्ट भी है, बट ही इज आल्सो मार्क्सिस्ट. तो
मुझे तो इसी पर आश्चर्य होगा कि मार्क्सिस्ट और फूल दो अलग होते हैं जिस हिसाब से हम इनका देखते हैं जो ये लिखते हैं। खैर आगे आप लिखते हैं कि इंडियाज राइज एंड द वेस्टर्न डायलेमा, तो इसमें मुझे एक जो बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि आपने डेविड हॉरोविट्स का जिक्र किया है और आपने इसमें एक लिखा है कि कुजाक्स मोडस ऑपरेंडी ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ कम्युनिस्ट्स गेनिंग पावर इन चेकोस्लोवाकिया। तो ये जो कुजाक्स मोडस ऑपरेंडी है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और भारत में ये किस प्रकार से। आप देखिए जैसे भारत में सिंपल एग्जांपल जैसे अभी आपको सीए पे जो किसान आंदोलन जो हुआ था, क्या था किसान आंदोलन, किसान आंदोलन का कोई वजह नहीं है क्योंकि किसान आंदोलन में जो बातें कही गई है वो बातें कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कही है, आपने कही है, और ये तो और ये इनफैक्ट 2.5 स्टेट के आगे सब स्टेट मानती है, सब फार्म फार्मर्स मानते हैं, दे आर हैप्पी अबाउट इट। यहाँ भी बहुत 90% लोग नहीं आर ओके विद दैट। तो बेसिकली कोजाक का जो थ्योरी था वो था कि आप इतना हलचल कर दो सड़कों पर कि लगे केओस है और लगे और आप एक एक इंटेलेक्चुअल क्लास ऊपर से रहेगा जो कि उसको एनालाइज करेगा, बोले ओ वाओ बहुत ज्यादा हो गया, चीजें इतनी खराब हो गई हैं अब तो बस। सो वो दोनों मिलके जो एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ आपको लगेगा कि यू नो यू विल मेक टू बिलीव एज ए पर्सन, हम लोग तो इंटरप्रेट करते हैं ना, हम लोग बोलेगा कि यार अच्छा इतना खराब है क्या, वी विल बिलीव दैट थिंग्स आर सो बैड, और वहां तख्ता पलट हो जाएगी और तख्ता पलट हुआ है ऐसा। और ये जो टूलकिट है ये टूलकिट यही है, ये टूलकिट चूंकि हमारा ये देश बड़ा है और हमारी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और वी आर यू नो इनहेरेंटली डेमोक्रेटिक पीपल, और मुझे हमेशा लगता है कि हमारे जो लोग हैं इनहेरेंटली समझदार भी हैं, तो यानी जो ज्यादा पढ़ते हैं वो थोड़ा सा और बेवकूफ हो जाते हैं, अलग इनहेरेंटली समझदार, तो somehow वो इस पर पढ़ते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, केजरीवाल जब 2014-15 में आए थे तो मैं बिहार में घूम रहा था, तो मैंने ऐसे मजाक में किसी से पूछा कि सो केजरीवाल फिनोमेनन बहुत बड़ा हो गया, आप लोग भी चाहेंगे, बोले हम लोग ये 90 से देख लिए हैं। तो लोगों को पता था ये पढ़ा लिखा लालू है। तो ये कोजेक्स मोडस ऑपरेंडी जिसे चेकोस्लोवाकिया, तो इंडिया में आपने बताया कि जो एक तो ये सड़कों पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है और जो दूसरा लेवल है जैसे आपने बताया कि कोजेक्स की उसमें है कि एक अपर लेवल होगा एलीट जो ऐसा बनाएगा, तो वेस्टर्न वर्ल्ड के जैसे ये जो अखबार हमारे साथ चल रहे हैं। इसी में आपने एक सोरोस अंकल का भी जिक्र किया है, तो व्हाई सोरोस इज सच अ बिग थ्रेट। सोरोस बेसिकली सोरोस करता है कौन है, क्या है, थोड़ा सा बहुत माइनर में इनके बारे में अगर बताएं। सोरोस था जिसने आपने अचानक पैसे कमाया वो स्टॉक मार्केट से, इंग्लैंड में उसका बैंक फेल हुआ था, इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड से उसने अचानक पैसे कमाए और बहुत पैसे आ गए उस पर। उसका अभी काम वही है, ही इज पीपल से दैट ही इज पार्ट ऑफ द सीए, सीए का वो एक्सटेंडेड आर्म है, सीआईए का एक्सटेंडेड आर्म है, और वो जो वो नहीं कर सकते हैं वो ये टॉपल करता है गवर्नमेंट्स को जहां-जहां, तो वो उसका वही है कि वो डेमोक्रेसी का एम्बेसी जो टूलकिट की बात करते हैं वो डेमोक्रेसी की बात करेगा, वो नीचे जो भी जो एलिमेंट्स लगेगा कि केओस क्रिएट कर सकते हैं उनको प्रमोट करेगा, उनको फंडिंग देगा, और ऊपर से जो उसका जो एनालिसिस होगी, और ऊपर से जो उसकी एनालिसिस होगी वो चाहे वो हमारे लुटियंस के एलीट करें या फिर उनके जो ग्लोबल कनेक्शन हो चाहे NYT और वाशिंगटन पोस्ट और इकोनॉमिस्ट हो उसके थ्रू वो क्रिएट करेगा कि ऑल थिंग्स आर नॉट गुड। तो अभी भी देखिए हमने देखा भी जैसे फार्मर प्रोटेस्ट जब चला तो ऐसा बताया गया कि भारत के सारे ही किसान जो है वो इससे नाराज हो गए हैं या सीए का पूरा देश ही विरोध करने लगा, जबकि मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थी जो बस एग्रेसिव थी। नॉट जस्ट दैट, आप जिस तरह से इन्होंने पूरी डेमोक्रेसी को उससे जज कर लिया, इनफैक्ट आप देखिए तो हम तो कुछ जरूर से ज्यादा सॉफ्ट थे, हम तो वापस भी ले लिए, लुक व्हाट कनाडा डिड, वो तो दस दिन बर्दाश्त नहीं किया, उनका पूरा सीज कर लिया, उनका एसेट सीज कर दिया, या और वो हमें बोलते हैं नहीं यू टॉक टू दिस पीपल, तो बेसिकली वो तो है व्हाइट मेंस बर्डन इनके दिमाग में सब तक गया नहीं है। आप अपनी किताब में लिखते हैं जैसे हमने सुना था एलिफेंट इन द रूम, तो आप लिखते हैं द ड्रैगन इन द रूम एंड इंडिया मस्ट बस्ट द वन चाइना मिथ बी रेडी फॉर अ लॉन्ग हॉल। तो ये जो वन चाइना मिथ है थोड़ा ये बताएं और इंडिया को ये क्यों बस्ट करना चाहिए। सी चाइना क्या है, चाइना जो अभी हम देख रहे हैं ये बहुत रिसेंट कंस्ट्रक्ट है, द रियल चाइना एक्चुअल चाइना इज 1/3 ऑफ व्हाट इज एक्चुअली इज, तिब्बत का पार्ट नहीं था, इनफैक्ट तिब्बत का जब इतिहास पढ़ेंगे तो तिब्बत जो 1949-50 तक इंडिया हैड मोर स्टेक्स इन तिब्बत
और चाइना इस बात को जानता था somehow, in fact, एक यहां तक डिस्कशन हुई थी should we send our military there or not, यहां तक हमारा स्टेक था वहां, बट चाचा नेहरू थॉट अदरवाइज, दरियादिल थे, प्लस उनकी आई थिंक स्ट्रेटेजिक सेंस अजीब थी, उनको सब लगता था पहाड़ों पे क्या होता है जी, कुछ नहीं होता है उनको, he was in on lava land, और प्लस ही ऑल्सो बिलीव द गुडनेस ऑफ चाइनीज, कम्युनिस्ट चाइनीज, उनको लगता था कि दिस इज अ पॉजिटिव फोर्स, वो 62 तो उनको वही लगता था इज अ पॉजिटिव फोर्स, सो इसीलिए जब भी उन्होंने अटैक किया था, ये क्लॉड आर्पिन ने अपने बुक में मेंशन किया है कि जब चाइनीज ने अटैक किया तो चाइनीज को वहाँ तिब्बत में खाने का दिक्कत हो गया था, हमने चावल सप्लाई किया था, लुक एट दिस, मतलब कितने मतलब मूर्ख हो सकते हैं कि तिब्बत एक बफर जोन था, मान लें कि जो एक चाइना और हमारे बीच में एक प्रोटेक्ट करता था, उस तिब्बत पे जब चाइना हमला कर रहा है तो हम उसको चावल भेज रहे हैं, और नेहरू को आपने बुक में लिखा है कि बहुत सारे लोग 1962 से पहले वार्न कर रहे थे कि हिंदू चीनी भाई भाई आपका बहुत जल्दी शुगर बढ़ाने वाला है, पर ये नहीं बढ़ा पा रहे थे, इसीलिए इनफैक्ट मैंने मेंशन किया कि लोग बोलते हैं कि चाइना ने आपके पीठ पे मारा, चाइना ने पीठ में, चाइना आपकी छाती पे मारा है, क्यों या आप देख आप आपके सामने से आया और आप देख नहीं पाया, तो ये तो आपकी गलती है, चाइना वाज डूइंग, और नेहरू की आप बात करें तो 50 में उन्होंने पार्लियामेंट से झूठ तक बोला, ही लाइड टू द पार्लियामेंट कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, जबकि रोड्स आर बीइंग मेड ऑन इंडियन, वही मैं आज सुनता हूं तो जब कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये हमारे इसमें या अभी भी हमारे देश में है बाहर है, अरे यू डोंट हैव राइट टू से, आपने जो किया है उसके बाद आपको तो अधिकार ही नहीं है उस बारे में बोलने का, तो ये जो वन चाइना में थे जैसा आपने बताया, एक तिब्बत हो गया, दूसरा आपने शिनजियांग हो गया, शिनजियांग हो गया, और तीसरा इनर मंगोलिया, तो इन पे इसका इलीगल कब्जा कह ले या बाद में इसने जो भी वो किया है, तो आप ये कह रहे हैं जैसे ये सब 100 साल पुराने खेल है, तो ये जैसे हमारी टेरिटरीज पे जैसे अपना क्लेम करने लगता है, जैसे कुछ करने लगता है, तो हमको भी इन टेरिटरीज, बेसिकली मेरा वही था कि सी व्हेन यू टॉक टू बुली you can't talk to bully by you know saying namaste, wo bully feel sochega ki aap weak ho, they understand the language of strength, haan bhai wo hai na ki wo eat ka jawab yeah. pathar se ya jaisa, so jadi aap jadi wo kya kar raha hai ki wo arunachal ka naam badal raha hai aur ye kar raha wo kar raha, he wants to still provoke you, push you, so you start questioning it, tibet mein apni wo bana do, aap tibet ko aaj bolo ki aap nahi mante tibet ko, aap taiwan se baat karo, some process already started, kuch cheez already hone lagi hai, we are moving that direction, aur I think slow jana, I believe that it's not a bad idea to go slow, just see how so go slow go long, yeah go long, and the good part is that's why I believe, and for one time you know ki pehli baar aisa hua itihas mein jo ki hum bahut credit nahi dete hain कि हमने 4 साल से अपनी अपनी आर्मी वहाँ से हटाई नहीं है, पीपल मीन आई बिलीव दैट दे आर ऑन आवर सॉइल, मुझे इसमें कोई क्योंकि वहाँ कोई बॉर्डर है नहीं, बट दिस क्रेडिट वर्दी दैट वी आर देयर एंड सेइंग जब तक आप हटोगे नहीं वी आर नॉट गोइंग बैक, सो इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, ठीक, आप अपनी किताब में लिखते हैं पाकिस्तान इन द चिमेरा ऑफ अ फ्रेंडली नेबरहुड, इसमें आप लिखते हैं कि दिल्ली शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉरफेयर विद इस्लामाबाद, और फिर इसमें आप एक मदीना माइंडसेट की भी बात करते हैं, और जब मैं इस पर पूछ रहा हूं तो मैं आपसे और भी पूछ लूं ये कि आपने एक ऑथर का इसमें जिक्र किया है, दलवी करके एक ऑथर है, हामिद दलवी उनका भी आपने जिक्र किया है, तो थोड़ा सा जरा इन सब के बारे में इसको पहले मैं हामिद जी के बारे में बताऊंगा, हामिद दलवी वाज ए ट्रू सेक्युलर इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, उनकी बुक आई है मुस्लिम पॉलिटिक्स 1960s में आई थी, बहुत पतली बुक है, हिंदी बुक पॉकेट से आई है, आप अपनी पढ़े जरूर पढ़ें, चीज़ों को इतनी बेबाक तरीके से उन्होंने लिखी है, और मुझे सरप्राइज लगता है, दैट्स वेयर आई क्वेश्चन द इंडियन सो कॉल्ड लिबरल क्लास कि वो उन्हें हम आइडियल नहीं बनाते हैं, when we talk about people who can reform Islam, we target people like him saying that nahi aap provoke kar rahe ho ji, aap provoke kar rahe ho, he talked sense and he is the one who talked about all these things, the Madina mindset, Madina mindset is exactly what that Pakistan project is for them like Madina, wahan se hum India ko convert karenge, it's as simple as that, aur ye jab tak rahega ye mindset jab tak rahega then you can't think of principle, This is a war game. और पाकिस्तान खुद को मदीना ही मान रहा है और भारत मक्का वाली सिचुएशन, भारत के लोग ही सवाल जो इधर जो मुस्लिम हैं मानते हैं, लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल वो उसको उस कॉन्सेप्ट में ही देखते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू सी देम काइंड ऑफ यू नो जो पाकिस्तान के प्रति जो आकर्षण है वो इसलिए भी है, एक सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया वो यही है,
प्रॉब्लम है व्हेन व्हाई वी कांट बी फ्रेंड्स विद पाकिस्तान. रीजन प्राइमरली वही कि पाकिस्तान, देखिए कन्वर्जन के बाद पाकिस्तान अपने आप को का जो एग्जिस्टेंस है वो अपने आप को एंटी इंडियाइज्म, और मोहम्मद बिन कासिम वाला इसी में है कि पहला सिटीजन मानता है. अभी अभी उसको ये लगता है कि वो द मोमेंट वो ये बोलेगा कि नहीं हमारा इंडिया से चेहरा नहीं है तो फिर उसका एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया. उसके लिए यही एग्जिस्टेंस है कि हम आपसे लड़ते रहेंगे. इनफैक्ट मैंने जो अमेरिकन ऑथर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मैं उनका मेंशन किया कि फॉर पाकिस्तान इस विक्ट्री डजंट मैटर, फॉर पाकिस्तान व्हाट मैटर्स इज द Christian fair yeah. fighting yeah. the Pakistan army. Beautiful book. And it see nails the Pakistani mindset. उनके लिए यह है कि पाकिस्तान को ये घंटा वा फर्क नहीं पड़ता है कि वो हारे या जीते. उनको यह है कि हमें एफर्ट करते रहना है, उनके लिए वही जीते. इसके लिए वो इंस्पिरेशन ऑफ बैटल ऑफ बद्र से लेते हैं, 300 और यही आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि फॉर ए कॉमन माइंड आप देखेंगे समथिंग लाइक यू नो वॉर इन कारगिल, इट्स सुसाइडल वॉर है. इंडिया वुड हैव वॉन, एनी एनीबॉडी विद सम फोरसाइट विल नो दैट भैया आप अटैक करो कैप्चर करो तो इंडिया पीटेगा ही आपको और कैप्चर कर लेगा. बट उनके लिए वो स्टेटस को पे नहीं रहना है, ही ऑलवेज वॉन्ट टू पुश इट पुश इट पुश इट. अभी क्या हुआ है, द गुड पार्ट इज आफ्टर बालाकोट नाउ दे नो दैट कि भैया जो से ज़्यादा हम यदि इसको बढ़ाते हैं तो अच्छी कुटाई हो सकती है. सो नाउ दे आर बिट फियर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. एंड दैट्स व्हाई वी सी सम लेस टेरर अटैक्स बट माइंडसेट इज स्टिल सेम. इस पे जो आपने बालाकोट बोला तो बालाकोट वाले पे ही मैं एक बार आऊंगा. आपने अपनी बुक में लिखा भी है कि जो बालाकोट का कुछ सिग्निफिकेंस भी है, कोई दहलवी साहब थे वो मोहम्मद गोरी की गजनी की किस्में जाके रुके थे, बालाकोट अपने आप में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो ये भी दर्शाता है कि जो इस्लामिज्म का इस्लामिस्ट की जो लॉन्चिंग जो एक सेंस ऑफ हिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. दे जस्ट डोंट थिंक फ्रॉम टुडे, वो आज से नहीं सोच रहे. दे सी फ्रॉम द टाइम व्हेन मोहम्मद गजनी एंड गोरी अटैक स्टार्टेड अटैकिंग इंडिया और उसी समय से वो इसको लेके चल रहे हैं. उनके लिए वो एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस है. और जब तक इफ दे डोंट सक्सीड इन व्हाट दे वांट टू डू, ये प्रोसेस चलते रहे, दैट्स व्हाट दे वांट. और बालाकोट इज दैट. बालाकोट हैज बीन द सेंटर ऑफ ऑल दिस जिहादीज, मैंने बुक में मेंशन भी किया है. वो आज से नहीं है, हजारों सौ साल से वो हाँ वो इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है और जहाँ से जिहाद को एक्सटेंड किया जाता था. यस यस. सो आज यदि इंडिया टारगेटेड दैट, इट विल ऑल्सो गिव द लार्जर मैसेज that we are targeting you, that we are taking you mitochondria pe tumhare hum yeah we are taking you head on. Hamid Dalvi ki jab baat chali, Dalvi ki to aise matlab aap to patrakar hain, patrakarita se hi milta julta ek pesha hai patrakarita ka, keh rahe to jaise kuch log hain naam lu na lu, wo log aisa kehte hain ki kya naam hamare baap dadao ne to Hindustan chuna tha, Pakistan nahi chuna tha. Aur aapne bataya ki jaise bahut sare hain jo matlab aur ये जो हामिद साहब भी अपने उसमें प्रूफ करते हैं मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया की जो मेजोरिटी है वो पाकिस्तान को एज अ मदीना ही देखते हैं अपने. और वेंकट धुलीपाल की किताब भी जो फॉर्मली एस्टेब्लिश भी करती है मतलब क्रिएटिंग न्यू मदीना. तो ये जो आर्गुमेंट आता है कि हमारे बाप दादाओं ने तो हिंदुस्तान चुना था, वो चाहते तो पाकिस्तान चले जाते, इस पे कुछ अगर आप एक टर्म है इंग्लिश में हैविंग द केक एंड ईटिंग इट टू, ये अपने आप में है. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान भी ले लिया और भारत भी नहीं छोड़े. इसे विन-विन फॉर देम ना, बहुत समझदार हो गए मतलब. मतलब उन्होंने यदि पाकिस्तान लेते और यदि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बोला था कि ट्रांसफर पॉपुलेशन कर दें तो क्या होता, फिर तो पाकिस्तान में सिक्योर के रह जाते हो. भारत की आज जो समस्याएं थी वो वाली समस्याएं वो तो नहीं होती. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान दे दिया और इंडिया में रह गए सेकुलर बन के. ओवरनाइट मुस्लिम लीग लीडर्स एंड कैडर्स ज्वाइन कांग्रेस ओवरनाइट, जो कल तक जिन्ना के साथ थे ओवरनाइट वो कांग्रेस साथ हुए. और हमारा दुर्भाग्य बोलिए कि सरदार पटेल नहीं रहे, 1950s में ही उनको उनकी डेथ हुई. और पटेल ने उनको एक स्ट्रेटेजिक एलाय के रूप में देखा और उन्होंने सेकुलर बना के अपने साथ जोड़ा. सो ये तो अपने आप और ये जो बोलते हैं कि हमने हिंदुस्तान चुना है, जब हिंदुस्तान चुनते तो आप वोट ही क्यों करते हैं पाकिस्तान के लिए. मोर देन 90% तो मुस्लिम लीग जीती थी, सो दे वोटेड फॉर देम. और वेंकट धुलीपाल लिखते भी हैं कि जब मतलब वो तो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो उत्तर प्रदेश और बिहारों के मुसलमानों ने बनवाया,
और उनसे जब कहा गया कि भाई जब पाकिस्तान बन भी जाएगा जो तुम्हारी डिमांड है तो उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश तो कहीं से कहीं नहीं जा रहे, तो उन्होंने बोला कि हमारी कौम के मतलब उसके लिए कि बहुत सारे हमारे जो भाई बंधु लोग हैं वो बच जाएंगे इस दारुल हराम में रहने से। और फिर उनसे कहा गया कि मेजोरिटी हिंदू हो जाएंगे फिर आप लोगों को कैसे, तो उन्होंने वो होस्टेज पॉपुलेशन थ्योरी भी उसमें आती है। खैर आप जर्नलिस्ट हैं, आपने अपनी पत्रकारिता के पेशे पे भी एक चैप्टर लिखा है, लिबरल मीडिया इलिबरल एजेंडा, वेस्टर्न मीडिया राइट्स इंडियाज ओबिचुअरीज बट गोस सॉफ्ट ऑन चाइना एंड पाकिस्तान। इसमें एक न्यूयॉर्क टाइम्स का उनको 2021 में दिल्ली में कॉरेस्पॉन्डेंट चाहिए था, तो वो कैसा कॉरेस्पॉन्डेंट खोज रहे थे। ये अपने आप में मतलब आई ओपनर बात है कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया और बोलते हैं कि somebody who is anti मोदी, सो क्राइटेरिया ही वही था कि वो एंटी मोदी हो। तो ये अनबायस्ड मतलब कैसे हुआ जर्नलिज्म? एग्जैक्टली, ये तो पॉलिसीज को, कोई पॉलिसी गलत हो सकती है कोई सही हो सकती है, बट आप इनहेरेंटली ही दिस कांट बी द क्वालिफिकेशन कि आपको मोटिव है। अरे सही में क्वालिफिकेशन मांगी थी न्यूयॉर्क टाइम्स ने, It was there on record. So ये जो जितना मोदी को हेट करेगा वो उनके लिए उतना बहुत बड़ा ठप्पा गया। You are very good journalist. Journalist, आप उतने न्यूट्रल हैं, अनबायस्ड हैं। So this is the level of the Western journalism right now. और न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में आपने लिखा भी है कि जो होलोकास्ट हुआ था उसमें भी इनकी पत्रकारिता बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। In fact, होलोकास्ट में तो they have denied, largely denied. फ्रंट पेज पर उन्होंने मेंशन ही नहीं किया है एक भी इंसिडेंट, इतना बड़ा स्केल पे ज्यूज के स्लॉटर हो रहे थे, उन्होंने मेंशन नहीं किया फ्रंट पेज पे, वो कहीं 10वें पेज 12वें पेज पे छोटी सी स्निपेट जाती थी। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात है कि द वे दे प्रोजेक्टेड हिटलर, इनिशियली दे प्रोजेक्टेड हिटलर इन द अर्ली 30s कि हिटलर अच्छा आदमी है जी, वो सब ये नहीं करेगा, वो ही विल गो अवे एंड अपना काम करेगा, ये सब कुछ नहीं करेगा। देन जब हिटलर ने अटैक किया पोलैंड पर, तो इन्होंने बता दिया कि पोलैंड ने अटैक किया उल्टा। यस, ये पहली जो आज हम बोलते हैं कि यू नो जो फेक न्यूज, वो फेक न्यूज तो पता नहीं कब, सो उन्होंने पूरी हिस्ट्री बदल दी, उन्होंने पोलैंड को ब्लेम कर दिया और हिटलर को, पोलैंड अटैक जर्मनी। यस, सो उनकी पूरी जो इतिहास है, समबडी हु स्टैंड्स विद यू नो हिटलर एंड और इतने बड़े यू नो ज्यूज को टारगेट करने में अपने आप में बहुत ही दर्द, बट ये नया नहीं है। आप देखें तो उनका स्टैंड स्टालिन के रूप में भी ऐसा ही था। माओ को भी दबे दे, माओ हैव बीन प्रोजेक्टेड एज ए एग्रेरियन लीडर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गोधरा राइट्स पे, फिर सरकार ने उसके बाद शायद ऐसा इन्होंने रोया कि हमारे दफ्तर पे छापा मार दिया। तो ये बीबीसी कितना अनबायस्ड जर्नलिज्म करता है? बीबीसी एक्सटेंडेड आर्म ऑफ ब्रिटेन, वहां का सरकारी जी सरकारी मीडिया है और वो हिट जॉब करता है। अच्छा। बुरी तरह हिट जॉब करता है और आज से नहीं कर रहा है। इनफैक्ट इंदिरा गांधी के जो मृत्यु हुई थी तब भी दे रहने इंटरव्यू ऑफ खालिस्तानी, हाँ, उसको स्पेस दिया था और जस्टिफाइंग किया, अच्छा हुआ मर गई वो, अब वो चला है बीबीसी। जी बीबीसी ने चलाया उसको, बाद में उसके लिए मार्गरेट थैचर ने उसको फिर एक्शन लिया उस पर। सो उनका इतिहास रहा है और ये पहली बार बैन नहीं हुए, वो 65 से बैन होते आए। अच्छा, सो हाँ, क्योंकि पुराने हिस्ट्री से कर रहे हैं। सी ब्रिटेन इज अ डिफरेंट बॉल गेम। अमेरिकन क्या था ना, आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ ऑर्डर, आई विल से दैट अमेरिकन से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी है, उससे तो दूर ही रहना चाहता। फिर भी आई बिलीव दैट अमेरिकन हैव बीन लार्जली टिल 1965 बीन वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स अस। ये ब्रिटेन था ना, ये दोनों तरफ खेलता था, दे टू प्ले बोथ वेज एंड दे हैव हार्म्ड अस इमेंसली समहाउ, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे इनिशियल लीडर्स थे वो ब्रिटेन लवर्स थे, सो समहाउ हम उनकी बातें सुनते रहे और देश का नुकसान करते रहे। ये माउंटबेटन भी ब्रिटेन की ही थी। चलते चलते जैसे आपने जो एक किताब लिखी, 357 रेफरेंसेस दिए 230-232 पन्ने की किताब में,
कुछ किताबें जैसे जो आपको लगती हो जो पढ़नी चाहिए जो हमारी ऑडियंस है या नॉर्मल लोगों को भी, खैर हमारी ऑडियंस भी नॉर्मल है, कोई ऐसा ना सोचे कि ऑडियंस और नॉर्मल अलग है, कुछ किताबें आप अगर रिकमेंड करना चाहें। डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है, मान लिया आप सिविलाइजेशनल उस पर जाना चाहें, यू वांट टू नो योर हिस्ट्री, और वो हिस्ट्री जो कि आपको नहीं पढ़ा जाता तो मैं बोलूँगा प्लीज गो एंड रीड, यू नो पीपल लाइक कॉनराड एल्स्ट, पीपल लाइक डेविड फॉलर ने काम किया है, राम स्वरूप जी ने धर्म पर बहुत अच्छा काम किया है, उनकी किताब इनफैक्ट जो उनकी डेप्थ है वो जी 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 वो डेप्थ, और सीताराम गोयल जी की पुस्तक पढ़ें तो वो पढ़े, अरुण सौरी की पुस्तक पढ़े, एंड प्लीज डोंट गो बाय हाउ ही इज बीइंग प्रोजेक्टेड टुडे, जो भी हो आई थिंक उनके काम को झुठलाया नहीं जा सकता, व्हाट ही डिड ओनली यू नो जायंट्स कैन डू, सो वो पढ़े एंड देन फिर उसके बाद अपना रास्ता खुद चुने। और आपकी बेस्ट बुक अगर पूछी जाए, खैर ऐसे जर्नलिस्टों की बेस्ट बुक तो बताना कठिन होगा, बट फिर भी ऐसे कोई तीन किताबें जिनको आप ऐसे बहुत अच्छी मानते हैं जो आपने पढ़ी हो। बहुत डिफिकल्ट है, मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ, महाभारत मुझे बहुत इंट्रीग कर रही है, आई थिंक महाभारत पढ़ने के बाद एक तो लोगों की समझ बढ़ जाती है, अच्छा। लोग क्या समझते हैं, देश की समझ बढ़ती है और समाज की समझ बढ़ती है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है महाभारत के बाद, आई थिंक नथिंग इज लेफ्ट। तो आपके घर में कलह नहीं हो रही है, कैसा भी चलता था कि महाभारत मेरे बाबा मेरे ग्रैंडफादर थे वो बोला करते थे, वो रामायण पढ़ते थे, वो रामायण भक्त थे, श्री रामचरितमानस यानी रोज पढ़ा करते हम, वी ग्रो अप सीइंग हिम, तो वो बोलते थे वो महाभारत हमारे घर में रहने नहीं दिए थे, तो लेकिन मेरे पिताजी खरीद के लाए थे 6 वॉल्यूम ऑफ महाभारत, तो हमेशा बोलते थे कोई भी कला होता था बोलते ये यहाँ रखा इसीलिए हो रहा है, बट आई थिंक कला तो हमारा नियम है, कला को समझना भी हुआ तो हमें महाभारत पढ़नी पड़ी। ठीक है सर, तो आपने हमें इतना टाइम दिया और जो हमने डिस्कशन किया है, ये बुक में ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम डिस्कस नहीं कर पाए, क्योंकि सारा हम डिस्कस कर लेते तो फिर आप लोग किताब क्यों खरीदते है ना, और हमारा इंटरव्यू कोई पेड वाला तो है नहीं कि हम पैसे लेके आपको दिखा रहे हैं, तो आप ये किताब खरीदें, ब्रूइंग से है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, ये फोटो दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन पर एडिटर भी लगा देगा, भारत राइजिंग धर्म डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी बाय उत्पल कुमार, 599 रुपए की किताब है, और इससे महंगा तो पिज्जा आता है, और जिस लेवल की ये किताब है तो ये वर्थ है, आपको खरीदनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, अगर नहीं पढ़ रहे हैं और खरीदने की क्षमता है तो भी खरीद के रखें, क्या पता कोई और आपके घर आए जो आपके वहां से किताब उठा के ले जाए। आपने हमको इतनी देर तक सुना उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद, जय श्री राम।